हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय यूरोप चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूरोप चैनल ए के मोई फेक्ट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की मच फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है और में दम था तो दोस्तों ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आप लोग को पता है ये मूवी दो अगस्त दो को रिलीज हुई है और इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है और ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एनालिसिस करेंगे बताएंगे फ़िल्म की कहानी कैसी है तो दोस्तों अगर आप लोग अजय देवगन के फ़ैन हो और औरों में कहाँ दम था इस फ़िल्म को देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए आइए दोस्तों अब हम से विस्तार में बात कर लेते हैं औरों में कहा नीरज पांडे द्वारा लिखित और निर्देशित की गई साल दो जो जो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर कहानी है इस फिल्म में दोस्तों अजय देवन और तब्बू अपनी दसवीं फिल्म में एक साथ अभिनय करते हुए नजर आए हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं फिल्म कैसी है क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज के बारे में तो दो अगस्त दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया है वहीं इस फिल्म की रॉन्ग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म 140 सौ चालीस की बनाई गई है फिल्म की बजट के बारे में हम बात करें तो सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ है फिल्म को बनाने में वहीं इस फिल्म की अभी तक की बॉक्स चौबीस के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने साढ़े नौ करोड़ तक कमाई किया है लेकिन दोस्तों अगर इस फिल्म को हिट होना है तो डेढ़ करोड़ से अधिक की कमाई करना होगा तो ही ये फिल्म हिट हो सकता है वहीं दोस्तों बात करें फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में अजय दुगंध तब्बू जिमी सुरगिल उनके अलावा संतनु महेश और फिर शाही मजर लेकर फिल्म में अभिनय करते भी नजर आई है इसी के साथ दोस्तों पांडे और फिर देहुगन के बीच परियोजना की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2023 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में ही पूरी हुई है इस फिल्म का स्कोर और फिल्म का साउंड एल्बम एम एमएम किरावाने द्वारा तैयार किया गया है वहीं दोस्तों औरों में कहा दम था शुरू में 5 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फिल्म प्रदर्शकों और फिल्म वितरकों के अनुरोध पर ही इसमें देरी हुई अंत तक इससे आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 2 अगस्त 2024 को नाटक रूप से रिलीज किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म बन गई इसने दुनिया भर में दोस्तों सिर्फ नौ करोड़ की ही कमाई किया है बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी एक ऐसे जोड़ी की है जिनकी प्रेम कहानी दो से दो तक तेईस साल तक फैली हुई है जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते की भावनात्मक गहराई और फिर विकसित होती हुई नजर आती है इन गतिशीलताओं को दर्शाया गया है जो कि दोस्तों कृष्णा जो है कई हत्याओं में शामिल हो जाते हैं और उसे जो है आजीवन आज कारावास की सजा सुनाई जाती है इसके कारण जो है वसुधा उससे अलग हो जाती है और फिर जो है अभिजीत से शादी कर लेती है बाईस साल बाद जब वह कृष्णा को माफ़ी मिलने के बाद जेल से रिहा किया जाता है तो वह जो है अशुदा से मिलने के लिए तरसता है और ये जो है कृष्णा और फिर जो है वसुधा के बीच एक अंतिम मुलाकात में परी एक अंतिम मुलाकात में जो है परिणत होता है और दोस्तों बाकी कहानी कैसी है इसके बारे में हम थोड़ी देर में अब विस्तार में बात करेंगे वहीं दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी दो में शुरू हुई और पहला शेड्यूल मार्च दो में और अप्रैल दो में पूरा हुआ था वहीं इस फिल्म का उत्पादन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ और फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर मुंबई दिल्ली और लखनऊ में की गई है फिल्म के एड के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का साउंड और बैकग्राउंड स्कोर एमएम के एमएम क्रीम द्वारा तैयार किया गया है जबकि दोस्तों गीत मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए थे वहीं दोस्तों टू शीर्षक वाला पहला एकल 18 जून 2024 को रिलीज किया गया था और वहीं दोस्तों ए यानी कि दिल जरा शीर्षक वाला दूसरा एकल 24 जून 2024 को रिलीज किया गया था बॉक्स चौबीस के बारे में हम बात करें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे जो है निराशाजनक रहा है इस फिल्म की क्योंकि ओपनिंग डे 2 अगस्त को दोस्तों ये सिर्फ एक करोड़ पचासी लाख की ही कमाई किया था और पिछले तीन दिनों का कलेक्शन जो है क्रमश सिर्फ दो ही करोड़ दो ही करोड़ बताया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक सिर्फ जो है नौ साढ़े नौ करोड़ तक की ही कमाई की है वहीं दोस्तों रिस्पॉन्स रेटिंग के बारे में हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धौल रोए ने इस फिल्म को फाइव से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहाँ दम था परिपक्व प्रेम कहानी का प्रयास है जो कि निष्पादन में लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और फिर पूर्वानुमय कथानक इसके प्रभाव में बाधा डालते हैं अगर आप दोस्तों जानबूझकर जो है की गई गति और भावनात्मक रूप से जो है यहाँ पे आवेश जो है कथाओं की सराहना करते हैं तो इसे देखें न्यू यहाँ पे 18 की तरफ से दोस्तों टेटस चौधरी ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दमता थोड़ा सा जो है जगह जगह हो सकता है और यहाँ तक कि दोस्तों उस जो है चमकदार जो है ड्राइव भी ड्राइव की भी कमी है लेकिन यहाँ पे चौकाने में लेकिन यहाँ पे दोस्तों चौकड़ी ने कंपनी चौकड़ी ने यहाँ पे काँपती हुई जो स्क्रिप्ट को पूरी तरह से जो है टूटने से बचा लिया है वही टाइम्स नाउ की तरफ से दोस्तों तमई सऊ तमई जो है सऊदी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दमता रेडी डॉट कॉम की तरफ से जो है दीपा गहलोत ने भी फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए है इन्होंने लिखा है अपने शानदार शीर्षक से ही यहाँ पे औरों में कहा दम था एक महाकाव्य बनने का लक्ष्य रखा गया है लगातार यहाँ पे असफल होता रहा है जो कि बॉलीवुड हंगामा की तरफ से एक आलोचक ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दी है और इन्होंने लिखा है कि औरों में कहा दम था एक धीमी और फिर एक उबाऊ जो फिल्म है जो कि दोस्तों कहानी में कमी और और एक यहां पर पूर्वानुमानित है चर्मो के कारण यह फिल्म थोड़ा सा ग्रस्त होता है वहीं दोस्तों फर्स्ट पोस्ट के तरफ से इस फिल्म को लक्ष्मी देवरोए ने फाइव में से टू स्टार दिया है और इन्होंने लिखा है ऐसा लग रहा था कि निराश पांडे रोमांटिक और सस्पेंस थ्रिलर बनाने में पूरी तरह से जो विफल रहे जिसे दोस्तों उन्होंने शायद जो है बनाने की कोशिश की थी लेकिन फिल्म में दर्शकों को बाध रखने या फिर जो स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए जोश की कमी थी कहानी में वह उत्साह नहीं है जो कि आज के दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि दोस्तों न केवल जो है भारतीय सिनेमा की बल्कि जो है विश्व सिनेमा से भी परिचित कराया गया है इसी साथ दोस्तों द दो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्र गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है अनुभावी योद्धा अजय देवगन और फिर जो है तब्बू को सितारों से जो है टकराते सितारों से टकराते रोमांस में जो है देखने का आनंद है। मिला है जो कि फिल्म के ख़राब जो है ट्रीटमेंट के कारण जो है कम हो गया है ताज़ा होने के बजाय ये पुरानी लगती है देखने में और एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों जो अपनी स्टार जोड़ी के लिए अनुपयुक्त है जो कि दोस्तों औरों में कहा दम था एक ऐसी फिल्म के लिए एक भद्दा शीर्षक रखा गया जिससे कुछ और नहीं होना चाहिए था वहीं दोस्तों इंडिया टूडे की तरफ से आरूसी जैन ने इस फिल्म को फाइव में से वन स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और इन्होंने लिखा है ये उबाऊ फिल्म है ये धीमी फिल्म है और यह रोमांटिक नहीं है ये मजेदार भी नहीं है और ये दुखद नहीं देता है क्योंकि एक सौ बिन की एक निराश फिल्म जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है ये कमजोर होती जाती है जिससे जो है कुछ बहुत ही जो पूर्वानुमानित कथानक सामने आई है वहीं दोस्तों हालांकि शब्द का यहाँ पे और शब्दिक अर्थ यही है कि दूसरों में हिम्मत कहाँ थी लेकिन ये जो है यहाँ पे वाक्यांश के यहाँ पे वास्तविक जो है अर्थ को नहीं दर्शाती है इसका उपयोग आम तौर पर दोस्तों तब किया जाता है जब कोई अपने ही जो है रिश्तेदारों से हार जाते हैं जैसे कि दोस्तों बता दें एक पिता अपने ही बेटे से एक पति अपनी पत्नी से और आदि इस जो है भावनाओं को इस हिंदी जो है दोहे में सबसे जो अच्छी तरह से जो है उजागर किया गया है और हमें तो अपनों ने लूटा आ, हमें तो अपनों ने लूटा गहरों में कहाँ दम था मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था मैं अपने ही रिश्तेदारों से हार गया दूसरे किसी दूसरे आ, दूसरे कभी जो है सपनों में भी नहीं सोच सोच सकते मैंने जो है गहरे पानी को जीत लिया लेकिन अफसोस जो है उतले पानी में मैं डूब गया और दोस्तों इस कहानी की आत्मा इस भावनाओं को दर्शाती है कि यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि फिल्म का नाम हिंदी में अनुवादित होने पर औरों में कहा दम था के रूप में जो है पढ़ा जाता है जो कि दोस्तों जो जो कि दोस्तों यहाँ पे की मूल दो यहाँ पे दोहे और गैरों में कहाँ दम था एक बहुत ही मामूली संशोधन वाली फिल्म है जो कि दर्शक ने इस फिल्म को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया है दो के अंदर इसी के साथ दोस्तों समीक्षक ने बताया है नीरज पांडे के बारे में बताया औरों में कहाँ दम था आम रोमांटिक किरदार से हटकर थोड़ा सा अलग फिल्म और प्यार नुकसान और फिर जो है लालसी की धीमी गति से थोड़ा सा जलने वाली खोज है कहानी जेल में शुरू होती है जो कि हमें एक जे जो है कृष्णा अजय देवगन से मिलवाया जाता है और फिर एक यहाँ पे कोमल प्रेम कहानी का खुलासा किया जाता है फ्लैशबैक हमें युवा और फिर जो है कृष्णा यानी कि शांतनु महेश्वरी के वसुधा साई मंजरेकर के साथ जो है रोमांस और कैसे एक घटना उसे पच्चीस साल के लिए जेल भेज देती है और तब तक जो है इस कहानी को थोड़ा सा

एक यहाँ पे समझदार जो है जेल से जो है यहाँ पे बचने वाले व्यक्ति तब तक जो है लेकिन अपने जो है वरिष्ठ अपने वरिष्ठ सह कलाकारों की तरह ही सहज दिखता है और तब उन्हें शांति तीव्रता के साथ जो अभिनय भी किया है जो अतीत से प्रीत एक महिला की जटिलताओं को पकड़ लेती है और अपने जो है वर्तमान के साथ जो है तालमेल बिठाती है दोनों की केमिस्ट्री यहाँ पे स्पष्ट नजर आती है जो कि फिल्म के भावनात्मक के केंद्र में गहराई जोड़ती है और जबकि दोस्तों यहाँ पे साई मंजरेकर ने भी उतना ही अच्छा अभिनय किया है और वहीं दोस्तों जीमी सिर ने यहाँ पे वो सुधा के पति और फिर अभिजीत के रूप में एक छोटी लेकिन यहाँ पे प्रभावशाली भूमिका फिल्म निभाई है दमदार अभिनय के अलावा एमएम क्रीम का भावपूर्ण बैकग्राउंड स्कोर अलग तत्व पर घूमता है जो कि फिल्म की मार फिल्म की यहाँ पे मार्मिकता में महत्वपूर्ण योग्य देता है वहीं दूसरी तरफ फिल्म की टोन में कुछ असंगतता है क्योंकि जिसमें जो है आपको नब्बे के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की याद आती है इसमें त्यौहार के गाने और फिर एथलेटिक जो है कृष्णा का फिल्म के अंदर जो है मानसर जो है गुंडों से मुलाकात किया जाता है बारिश में एक्शन सीक्वेंस आदि शामिल है लेकिन दोस्तों यहाँ पे कथित क्लोद और फिर यहाँ पे परवीन का संपादन जो है यहाँ पे पहले हाथ में कई जगहों पर यहाँ पे झटक झटकेदार है क्योंकि मुख्य मोर और फिर जो है अपराध का

लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और फिर पूर्वानुमानित कथानक इसके प्रभाव को थोड़ा सा बाधित करता है तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने कुछ खास रिव्यू नहीं दिया है इस फिल्म को अगर आप लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग अजय देवगन के फैन हो तो इस फिल्म को आप लोग देख सकते हो वरना इस फिल्म को आप लोग स्किप भी कर सकते हो वैसे भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक साबित हुई है औरों में कहा दम था 2023 में आई अंग्रेज़ी जो है कुरियाईट ड्रामा पास्ट लाइव से कुछ हद तक जो है मिलता जुलता है इसमें 24 साल की अवधि में दो किरदारों के जीवन को दिखाया गया है जब वो अलग अलग रास्ते पर चलते हैं और कई जो है सालों बाद जो अलग अलग जो है परिस्थितियों में फिर से जो है मिलते हैं लेकिन उनमें से एक को एहसास होता है कि उन्होंने कभी दूसरे व्यक्ति से प्यार करना बंद नहीं किया और ये सीधे मुद्दे पर था और फिर जो भावनाएं कच्ची थी और दुख की बात यह है कि यहाँ पे आ, सबसे पहले जो है मिनिम सबसे पहले जो है मिनिम लिप्स और फिर जो है बॉलीवुड की कहानी कहने की शैली के अनुकूल नहीं है दोस्तों इस हिंदी नाटक की शुरुआत जो है अपराधी जो है कृष्णा अजय देवगन द्वारा अभिनीत से होती है शुरू जो कि जेल से जो है बाहर नहीं निकलना चाहता और वह पिछले जो है तेईस सालों से दोहरे जो है हत्याकांड की सजा काट रहा है और उसने जो है जो किया हुआ मूल रूप से औरों में औरों में की कहानी है जो कि वास्तव में जो है बहुत ही कमजोर हमें देखने में लगती है अब यहाँ पे संतानु महेश्वरी ने 2001 में अजय देवगन के बचपन का किरदार निभाया है जो कि दोस्तों वसुधा एक चुलबुली साइमन रेकर से प्यार करता है लेकिन उनकी लेकिन उनकी केमिस्ट्री जो है विश्वसनीय है और फिर यह एक महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके बड़े रूपों को अजय और फिर जो है तब्बू ने निभाया है जो कि दोस्तों एक साथ अपने जो है यहाँ पे हजार भी जो है फिल्म हजारों फिल्म कर रहे हैं लेकिन दोस्तों एक रात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है दोस्तों वसुधा कृष्ण का इंतजार क्यों नहीं किया जाता है और वह जेल से क्यों नहीं कर दी और वह जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहता आखिरकार उन्हें कौन मिलवाता है यह भी देखना पड़ेगा इस फिल्म में और उन दम था एक ही समय में पर, एक ही समय में पारंपरिक और जो है अपरम्परगता दोनों है मैं अलग अलग जो है आयु और फिर जो है समूहों के बारे में प्रेम कहानियाँ बनाने के पक्ष में हो क्योंकि यहाँ हम जो है देखते हैं कि युवा प्रेम कितना जो है उतावला होता हुआ नजर आता है साथ ही दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है प्रेम कितना जो है व्यवहारिक होता है ये भी हमें फ़िल्म में देखने को मिल जाती है इस फिल्म की पहला भाग दोस्तों बेहद धीमा है कहानी में कई जो है फ्लैशबैक मौजूद है और हम गति के साथ जो है बने रहने की कोशिश करते हैं कहानी दिलचस्प होनी चाहिए लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा खींची हुई है पहला घंटा एक डेली शॉप के तीन घंटे लंबे और महा जो है एपिसोड जैसा इस फिल्म में हमें लगता है वहीं दोस्तों आगे आखिरकार हमें बताया जाता है कि सालों पहले उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को क्या हुआ था इसलिए हमें जो है सांस लेने के लिए अंतराल मिल जाता है लेकिन आप आगे आने वाली जो है चीजों के लिए तैयार नहीं है बिना कुछ बताए ये अनिस जो है बजमी की 2007 की मज़ेदार फिल्म जो है यहाँ पे वेलकम के दूसरे भाग में जो हुआ था उसका जो है नाटकीय संस्करण है बस हमें जो है अलग अलग जो है दृष्टिकोण से तीन बार जो है तीन बार जो है घटनाओं का एक ही जो है क्रम दिखाया जाता है और क्या हमने जो है पहले ही जो है डेली डेली शॉप के जो है समानता डेली शॉप की समानतरों का उल्लेख किया है जो चीज़ हमें जो है बचाती है वो ये है कि कुछ यहाँ पे चतुराई से लिखे गए वन लाइनर और फिर यहाँ पे चुटेले जो है संदर्भ एक समय ऐसा आया जब अजय के दोस्तों ने अपनी जो है कार में जो है रेडियो लगाया और उसमें उनकी ही जो है फिल्म दिलवाले का गाना जीता था जिसके लिए बजा रहे थे तो दोस्तों थिएटर में जो है तालियां बजने लगी और जब जो है फिल्म जहाँ यहाँ पे हल्की होती है तो वह जो है चमकती हुई नज़र आती है और ऐसे दिल जरा के यहाँ पे ऐसे दिल जरा कि यहाँ पे जैसे कुछ अनशक्त गाने आपको थोड़ा सा थका देंगे इस फिल्म के अंदर अजय देवगन को यहाँ कोई भारी जो है काम नहीं करना पड़ता है उन्हें बस शांत और शांत रहना है तब उन्हें अच्छा काम किया है लेकिन दोस्तों फिर से जो है उनके जैसे अनुभवी अभिनेताओं के okay, लिए ये आसान काम नहीं है जिमी शेरगिल को जिमी शेरगिल जो कि अब अपनी जो है फिल्मों में कभी जो है लड़की अपनी कभी फिल्मों में कभी लड़की नहीं पाने के लिए जो है यहाँ पे स्टूडियो टाइप हो गए हैं एक बार फिर से जो है कमतर साबित हुए हैं हालांकि थोड़े अलग तरीके से इसमें दिखाए गए हैं लेकिन दोस्तों आगे इस फिल्म के अंदर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शांतनु एक भरोसेमंद अभिनेता है जो कि स्क्रीन पर एक खास आकर्षण लेकर आते हैं दबंग में खराब शुरुआत के बाद साई को एक दमदार भूमिका मिली है जिससे वह बाखूबी निभा सकती है और वह इसका भरपूर जो फायदा उठा सकती है दोस्तों ऑस्कर विजेता एमएम के द्वारा जो है फ़िल्म का संगीत कुछ खास नहीं इसमें दिखाया गया है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे काट छाट करके जो इसे अच्छी तरह अच्छे जो है फिल्म बनाया जा सकता था लेकिन अफसोस की बात यह है कि धनज पांडे जिन्हें जो है लेखक का श्रेय भी दिया गया है बहुत आगे जो है निकल गए हैं फिल्म का आखिरी शॉर्ट कहता है कभी कभी ये जो है कभी ख़त्म नहीं होता बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने एक समय पर जो है फिल्मों के फार में महसूस किया था तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने जितना भी रिव्यू दिया है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं है क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज ही मिला हुआ है इस फिल्म को दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसी के साथ दोस्तों एक और ख़बर छापा गया है आसिम अब्बासी अपनी मनोरंजन क्राइम थ्रिलर चुडैल्स के चार साल बाद जो है जी जिंदगी में वापस आए हैं उन्होंने फवाद खान और फिर जो है सनम जो है सईद को उनके लोकप्रियता रोमांटिक ड्रामा जिंदगी जो है गुलजार है कि 11 साल बाद फिर से जो है साथ है लेकर कास्टिंग में एक बड़ा बदलाव किया है लेकिन इस लोग जो है फंडासी में उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा गया है जो कि आध्यात्मिक जो है यात्रा पर अप्रत्याशी साथी की भूमिका निभाते हैं लेकिन दोस्तों ये यात्रा अपनी ही जो है अतिश व्यक्ति से जो है इतनी जो है बधी हुई है कि ये समझना और थोड़ा सा सराहना और यहाँ पे करना कठिन हो जाता है इस फिल्म के अंदर कहानी लैंड ऑफ यहाँ पे नो वेयर में जो है सेट की गई है इस मूवीज़ की जो कि दोस्तों बता दें जो है संभवत और पाकिस्तान में एक घाटी है जहाँ पे जफर जो है यहाँ पे खान जफर खान जात उनके अलावा सलमान शाहिद एक अमीर परिवार का मुखिया बने हुए अपने जो है यहाँ पे अलग हुए जो है बेटों को अपनी जो है तीसरी शादी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं और वह उसके जो है पहली शादी से हुए जो है बच्चे हैं लेकिन दोस्तों यही एक मात्रा कारण नहीं है कि वह जो है सहज है जफर अब अपने जो है यहाँ पे पहले प्यार जो है महताब से शादी करते हैं जिसकी जो है दस को पहले जो है मृत्यु हो गई थी लेकिन दोस्तों वह दृढ़ जो है निश्चय है क्योंकि पे अभी भी मौजूद है और दूसरी तरफ उनके छोटे बेटे जो यहाँ पे अः और फवाद जैसे जो है पे जैसे जो यहाँ पे आज जो है इस घटनाओं को नकारते हैं जबकि दोस्तों उनके जो है देखभाल करने वाले जो यहाँ पे यहाँ पे शहर यहाँ पे शहर ज़्यादा और फिर जो है सनम हमें जो अज्ञात विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है ये मूवी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है अजय देवगन की मच फेवरेट फिल्म जिसका नाम है और में कहा दम था इस मूवीज़ की बजट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट साथ ही साथ दोस्तों फिल्म ने कितनी कमाई की है इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने आपको विस्तार में बता दिया है तो उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल्ड एंड सी यू सुन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूरोप चैनल। दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूरोप चैनल एके मोई फेक्ट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की मच फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है में दम था तो दोस्तों ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आप लोग को पता है ये मूवी दो अगस्त दो को रिलीज हुई है और इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है और यह फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एनालिसिस करेंगे बताएंगे फिल्म की कहानी कैसी है तो दोस्तों अगर आप लोग अजय देवगन के फ़ैन हो और औरों में कहाँ दम था इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए आइए दोस्तों अब हम से विस्तार में बात कर लेते हैं और नीरज पांडे द्वारा लिखित और निर्देशित की गई साल दो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर कहानी है इस फिल्म में दोस्तों अजय देवगन और तब्बू अपनी दसवीं फिल्म में एक साथ अभिनय करते हुए नजर आए हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं फिल्म कैसी है क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज के बारे में तो दो अगस्त दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया है वहीं इस फिल्म के रॉन्ग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म 140 सौ मिनट की बनाई गई है फिल्म की बजट के बारे में हम बात करें तो सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ है फिल्म को बनाने में वहीं इस फिल्म की अभी तक की बॉक्स चौबीस के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने साढ़े नौ करोड़ तक कमाई किया है लेकिन दोस्तों अगर इस फिल्म को हिट होना है तो डेढ़ करोड़ से अधिक की कमाई करना होगा तो ही ये फिल्म हिट हो तो सकता है वहीं दोस्तों बात करें फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में अजय दुगन तब्बू जिमी सिर्गिल उनके अलावा संतनु महेश और फिर, फिल्म में करते है। दोस्तों, पांडे और फिर देवगन के बीच परियोजना की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2023 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में ही पूरी हुई है इस फिल्म का स्कोर और फिल्म का साउंड एल्बम एम एम किरावानी द्वारा तैयार किया गया है वहीं दोस्तों और में कहा दम था शुरू में 5 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फिल्म प्रदर्शकों और फिल्म वितरकों के अनुरोध पर ही इसमें देरी हुई अंत तक इससे आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 2 अगस्त 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म बन गई जिसने दुनिया भर में दोस्तों सिर्फ नौ करोड़ की ही कमाई किया है बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी एक ऐसे जोड़ी की है जिनकी प्रेम कहानी दो से दो तक तेईस साल तक फैली हुई है जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते की भावनात्मक गहराई और फिर विकसित होती हुई नजर आती है इन गतिशीलताओं को दर्शाया गया है जो कि दोस्तों कृष्णा जो है कई हत्याओं में शामिल हो जाते हैं और उसे जो है आजीवन आज कारावास की सज़ा सुनाई जाती है इसके कारण जो है वसुधा उससे अलग हो जाती है और फिर जो है अभिजीत से शादी कर लेती है बाईस साल बाद जब वह कृष्णा को माफ़ी मिलने के बाद जेल से रिहा किया जाता है तो वह जो है अशुधा से मिलने के लिए तरसता है और ये जो है कृष्णा और फिर जो है वसुधा के बीच एक अंतिम मुलाकात में परी एक अंतिम मुलाकात में जो है परिणत होता है और दोस्तों बाकी कहानी कैसी है इसके बारे में हम थोड़ी देर में अब विस्तार में बात करेंगे वहीं दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी दो में शुरू हुई और पहला शेड्यूल मार्च दो में और अप्रैल दो में पूरा हुआ था वहीं इस फिल्म का उत्पादन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ और फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर मुंबई दिल्ली और लखनऊ में की गई है फिल्म के साउंड के बारे में हम बात कर करें तो फिल्म का साउंड और बैकग्राउंड स्कोर एमएम के एमएम क्रीम द्वारा तैयार किया गया है जबकि दोस्तों गीत मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए थे वहीं दोस्तों टू शीर्षक वाला पहला एकल 18 जून 2024 को रिलीज किया गया था और वहीं दोस्तों ए यानी कि दिल जरा शीर्षक वाला दूसरा एकल 24 जून 2024 को रिलीज किया गया था बॉक्स चौबीस के बारे में हम बात करें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे जो है निराशाजनक रहा है इस फिल्म की क्योंकि ओपनिंग डे 2 अगस्त को दोस्तों ये सिर्फ एक करोड़ पचासी लाख की ही कमाई किया था और पिछले तीन दिनों का कलेक्शन जो है क्रमश सिर्फ दो ही करोड़ दो ही करोड़ बताया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक सिर्फ जो है नौ साढ़े नौ करोड़ तक की ही कमाई की है वहीं दोस्तों रिस्पॉन्स रेटिंग के बारे में हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धवल रोए ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहाँ दम था परिपक्व प्रेम कहानी का प्रयास है जो कि निष्पादन में लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और फिर पूर्वानुमय कथानक इसके प्रभाव में बाधा डालते हैं अगर आप दोस्तों जानबूझकर जो है की गई गति और भावनात्मक रूप से जो है यहाँ पे आवेश जो है कथाओं की सराहना करते हैं तो इसे देखें न्यू यहाँ पे अठारह की तरफ से दोस्तों टेटस चौधरी ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दमता थोड़ा सा जो है जगह जगह हो सकता है और यहाँ तक कि दोस्तों उस जो है चमकदार जो है ड्राइव भी ड्राइव की भी कमी है लेकिन यहाँ पे चौकाने में लेकिन यहाँ पे दोस्तों चौकड़ी ने कंपनी चौकड़ी ने यहाँ पे कापती हुई जो स्क्रिप्ट को पूरी तरह से जो है टूटने से बचा लिया है वही टाइम्स नाउ की तरफ से दोस्तों तमई सऊ तमई जो है सऊदी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दमता रेडी डॉट कॉम की तरफ से जो है दीपा गहलोत ने भी फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए है इन्होंने लिखा है अपने शानदार शीर्षक से ही यहाँ पे औरों में कहा दम था एक महाकाव्य बनने का लक्ष्य रखा गया है लगातार यहाँ पे असफल होता रहा है जो कि बॉलीवुड हंगामा की तरफ से एक आलोचक ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दी है और इन्होंने लिखा है कि औरों में कहा दम था एक धीमी और फिर एक उबाउज फिल्म है जो कि दोस्तों कहानी में कमी और एक यहाँ पे पूर्वानुमान जो है चर्मो के कारण यह फिल्म थोड़ा सा ग्रस्त होता है वही दोस्तों फर्स्ट पोस्ट के तरफ से इस फिल्म को लक्ष्मी देव रोय ने फाइव में से टू स्टार दिया है और इन्होंने लिखा है ऐसा लग रहा था कि निराश पांडे रोमांटिक और सस्पेंस थ्रिलर बनाने में पूरी तरह से जो है विफल रहें जिसे दोस्तों उन्होंने शायद जो है बनाने की कोशिश की थी लेकिन फिल्म में दर्शकों को बाध्य रखने या फिर जो स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए जोश की कमी थी कहानी में वह उत्साह नहीं है जो कि आज के दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि दोस्तों न केवल जो है भारतीय सिनेमा की बल्कि जो है विश्व सिनेमा से भी परिचित कराया गया है इसी के साथ दोस्तों द दो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है अनुभावी योद्धा अजय देवगन और फिर जो है तब्बू को सितारों से जो है टकराते सितारों से टकराते रोमांस में जो है देखने का आनंद है। मिला है जो कि फिल्म के खराब जो है ट्रीटमेंट के कारण जो है कम हो गया है ताज़ा होने के बजाय ये पुरानी लगती है देखने में और एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों जो अपनी स्टार जोड़ी के लिए अनुपयुक्त है जो कि दोस्तों और में कहा दम था एक ऐसी फिल्म के लिए एक भद्दा शीर्षक रखा गया जिससे कुछ और नहीं होना चाहिए था वहीं दोस्तों इंडिया टूडे की तरफ से आरुषि जैन ने इस फिल्म को फाइव में से वन स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और इन्होंने लिखा है ये उबाऊ फिल्म है यह धीमी फ़िल्म है और यह रोमांटिक नहीं है ये मज़ेदार भी नहीं है और ये दुखद नहीं देता है क्योंकि 144 सौ की एक निराश फिल्म जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है ये कमज़ोर होती जाती है जिससे जो है कुछ बहुत ही जो पूर्वानुमानित कथानक सामने आई है वहीं दोस्तों हालांकि शब्द का यहाँ पे और शब्दिक अर्थ यह कि दूसरों में हिम्मत कहाँ थी लेकिन ये जो है यहाँ पे वाक्यांश के यहाँ पे वास्तविक जो है अर्थ को नहीं दर्शाती है इसका उपयोग आम तौर पर दोस्तों तब किया जाता है जब कोई अपने ही जो है रिश्तेदारों से हार जाते हैं जैसे कि दोस्तों बता दें एक पिता अपने ही बेटे से एक पति अपनी पत्नी से और आदि इस जो है भावनाओं को इस हिंदी जो है दोहे में सबसे जो अच्छी तरह से जो है उजागर किया गया है और हमें तो अपनों ने लूटा आ, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था मैं अपने ही रिश्तेदारों से हार गया दूसरे किसी दूसरे आ, दूसरे कभी जो है सपनों में भी नहीं सोच सोच सकते मैंने जो है गहरे पानी को जीत लिया लेकिन अफसोस जो है उथले पानी में मैं डूब गया और दोस्तों इस कहानी की आत्मा इस भावनाओं को दर्शाती है कि यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि फ़िल्म का नाम हिंदी में अनुवादित होने पर औरों में कहाँ दम था के रूप में जो है पढ़ा जाता है जो कि दोस्तों जो जो, जो कि दोस्तों यहाँ पे की मूल दो यहाँ पे दोहे और गैरों में कहाँ दम था एक बहुत ही मामूली संशोधन वाली फिल्म है जो कि दर्शक ने इस फिल्म को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया है दो के अंदर इसी के साथ दोस्तों समीक्षक ने बताया है नीरज पांडे के बारे में बताया औरों में कहा किरदार से हटकर थोड़ा सा अलग फिल्म और प्यार नुकसान और फिर जो है लालसी की धीमी गति से थोड़ा सा जलने वाली खोज है कहानी जेल में शुरू होती है जो कि हमें एक दुर्जय जो है कृष्णा अजय देवगन से मिलवाया जाता है और फिर एक यहाँ पे कोमल प्रेम कहानी का खुलासा किया जाता है फ्लैशबैक हमें युवा और फिर जो है कृष्णा यानी कि सांतनु महेश्वरी के वसुधा साई मंजरेकर के साथ जो है और कैसे एक घटना उसे 25 साल के लिए जेल भेज देती है और तब तक जो है इस कहानी को थोड़ा सा रोक दिया जाता है और अच्छे जो है व्यवहार के कारण जो है पहले रिहा होने पर कृष्णा अब शादीशुदा शुदा वब्बु से तब्बू के साथ फिर से मिलने की कोशिश करने लग जाता है कहानी अजय देवगन द्वारा कृष्ण की बारीक जो है भूमिका और फिर एक दूर जो अपराधी से एक कमजोर प्रेमी में उनके परिवर्तन पर आधारित है दिलचस्प बात यह है कि संतानु महेश्वरी का किरदार जो है पूरी तरह से अलग है एक आ, एक साधारण और फिर एक नेक आदमी से एक यहाँ पे समझदार जो है जेल से जो है यहाँ पे बचने वाले व्यक्ति तब तक जो है लेकिन अपने जो है वरिष्ठ अपने वरिष्ठ सह कलाकारों की तरह ही सहज दिखता है और तब उन्हें शांति तीव्रता के साथ जो अभिनय भी किया है जो अतीश से प्रीत एक महिला की जटिलताओं को पकड़ लेती है और अपने जो है वर्तमान के साथ जो है तालमेल बिठाती है दोनों की केमिस्ट्री यहाँ पे स्पष्ट नजर आती है जो कि फिल्म के भावनात्मक के केंद्र में गहराई जोड़ती है और जबकि दोस्तों यहाँ पे साई मंजरेकर ने भी उतना ही अच्छा अभिनय किया है और वहीं दोस्तों जीमी सिर गिल ने यहाँ पे सुधा के पति और फिर अभिजीत के रूप में एक छोटी लेकिन यहाँ पे प्रभावशाली भूमिका फिल्म में निभाई है दमदार अभिनय के अलावा एम एम क्रीम का भावपूर्ण बैकग्राउंड स्कोर अलग तत्व पर घूमता है जो कि फिल्म की मार फिल्म की पे मार्मिकता में महत्वपूर्ण योग्य दान देता है वहीं दूसरी तरफ फिल्म की टोन में कुछ असंगतता है क्योंकि जिसमें जो है आपको नब्बे के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की याद आती है इसमें त्यौहार के गाने और फिर जो है एथलेटिक जो है कृष्णा का फिल्म के अंदर जो है मानसल जो है गुंडों से मुलाकात किया जाता है बारिश में एक्शन सीक्वेंस आदि शामिल है लेकिन दोस्तों यहाँ पे कथित कुलोद और फिर यहाँ पे परवीन का संपादन जो है यहाँ पे पहले हाथ में कई जगहों पर यहाँ पे झटक ज़ड़क, झटकेदार है क्योंकि मुख्य मोर और फिर जो है अपराध का रहस्यो घाटन पूर्व अनुमानित है और इसमें दोस्तों कुछ भी नया नहीं है हालांकि आपको बता दें जानबूझकर जो सुस्त कथानक जान बुझ करता है, है दूसरे हाफ में गति पकड़ लेता है फिल्म जो जो कि अंतराल के बाद जो है फिल्म कृष्णा के सबसे अच्छे दोस्त यहाँ पे और जिग्नेश जय ओ ओप के बदौलत जो है कुछ यहाँ पे हसी दिलचस्पी दिखाती है ये मूवी इसके अलावा दोस्तों औरों में कहा दम था एक परिपक्वता प्रेम कहानी का प्रयास है जो कि निष्पादन में लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और पूर्व अनुमानित कथानक इसके प्रभाव को थोड़ा सा बाधित करता है तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने कुछ खास रिव्यू नहीं दिया है इस फिल्म को अगर आप लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोग अजय देवगन के फैन हो तो इस फिल्म को आप लोग देख सकते हो वरना इस फिल्म को आप लोग स्किप भी कर सकते हो वैसे भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक साबित हुई है औरों में कहा दम था 2023 में आई अंग्रेज़ी जो है कुरियाई ड्रामा पास्ट लाइफ से कुछ हद तक जो है मिलता जुलता है इसमें 24 साल की अवधि में दो किरदारों के जीवन को दिखाया गया है जब वो अलग अलग रास्ते पर चलते हैं और कई जो है सालों बाद जो अलग अलग जो है परिस्थितियों में फिर से जो है मिलते हैं लेकिन उनमें से एक को एहसास होता है कि उन्होंने कभी दूसरे व्यक्ति से प्यार करना बंद नहीं किया और ये सीधे मुद्दे पर था और फिर जो भावनाएं कच्ची थी और दुख की बात यह है कि यहाँ पे आ, सबसे पहले जो है मिनिम सबसे पहले जो है मिनिम लिप्स और फिर जो है बॉलीवुड की कहानी कहने की शैली के अनुकूल नहीं है दोस्तों इस हिंदी नाटक की शुरुआत जो अपराधी जो कृष्ण अजय देवगन द्वारा अभिनीत से होती है शुरू जो कि जेल से जो है बाहर नहीं निकलना चाहता और वह पिछले जो है तेईस सालों से दोहरे जो है हत्याकांड की सजा काट रहा है और उसने जो है जो, है जो किया हुआ मूल रूप से औरों में औरों में की कहानी है जो कि वास्तव में जो है बहुत ही कमजोर हमें देखने में लगती है अब यहाँ पे संतानु महेश्वरी ने 2001 में अजय देवगन के बचपन का किरदार निभाया है जो कि दोस्तों वसुधा एक चुलबुली साइमन रेकर से प्यार करता है लेकिन उनकी लेकिन उनकी केमिस्ट्री जो है विश्वसनीय है और फिर यह एक महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके बड़े रूपों को अजय और फिर जो है तब्बू ने निभाया है जो कि दोस्तों एक साथ अपने जो है यहाँ पे हजारवी जो है फिल्म हजारवी फिल्म कर रहे हैं लेकिन दोस्तों एक रात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है दोस्तों वसुधा कृष्ण का इंतज़ार क्यों नहीं किया जाता है और वह जेल से क्यों नहीं कर दी और वह जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहता आखिरकार उन्हें कौन मिलवाता है यह भी देखना पड़ेगा इस फिल्म में और उन दम था एक ही समय में पर, एक ही समय में पारंपरिक और फिर जो है अपरम्परगर्ता दोनों है मैं अलग अलग जो है आयु और फिर जो है समूहों के बारे में प्रेम कहानियां बनाने के पक्ष में हो क्योंकि यहाँ हम जो है देखते हैं कि युवा प्रेम कितना जो है उतावला होता हुआ नजर आता है साथ ही दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है प्रेम कितना जो है व्यवहारिक होता है ये भी हमें फ़िल्म में देखने को मिल जाती है इस फिल्म की पहला भाग दोस्तों बेहद धीमा है कहानी में कई जो है फ्लैशबैक मौजूद है और हम गति के साथ जो है बने रहने की कोशिश करते हैं कहानी दिलचस्प होनी चाहिए लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा खींची हुई है पहला घंटा एक डेली शॉप के तीन घंटे लंबे और महा जो है एपिसोड जैसा इस फिल्म में हमें लगता है वहीं दोस्तों आगे आखिरकार हमें बताया जाता है कि सालों पहले उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को क्या हुआ था इसलिए हमें जो है लेने के लिए अंतराल मिल जाता है लेकिन आप आगे आने वाली जो है चीजों के लिए तैयार नहीं हैं बिना कुछ बताए बताएं की दो हजार सात की मजेदार फिल्म जो है यहाँ पे वेलकम के दूसरे भाग में जो हुआ था उसका जो है नाटकीय संस्करण है बस हमें जो है अलग अलग जो है दृष्टिकोण से तीन बार जो है तीन बार जो है घटनाओं का एक ही जो है क्रम दिखाया जाता है और क्या हमने जो है पहले ही जो है डेली डेली शॉप के जो है समानता डेली शॉप की समानतरों का उल्लेख किया है जो चीज हमें जो है बचाती है वो ये है कि कुछ यहाँ पे चतुराई से लिखे गए वन लाइनर और फिर यहाँ पे चुटिले जो है संदर्भ है एक समय ऐसा आया जब अजय के दोस्तों ने अपनी जो है कार में जो है रेडियो लगाया और उसमें उनकी ही जो है फ़िल्म दिलवाले का गाना जीता था जिसके लिए बजा रहे थे तो दोस्तों थिएटर में जो है तालियां बजने लगी और जब जो है फ़िल्म यहाँ यहाँ पे हल्की होती है तो वह जो है चमकती हुई नज़र आती है और ऐसे दिल जरा के यहाँ पे ऐसे दिल जरा कि यहाँ पे जैसे कुछ जो अनशक्त गाने आपको थोड़ा सा थका देंगे इस फ़िल्म के अंदर अजय देवगन को यहाँ कोई भारी जो है काम नहीं करना पड़ता है उन्हें बस शांत और शांत रहना है तब उन्हें अच्छा काम किया है लेकिन दोस्तों फिर से जो है उनके जैसे अनुभवी अभिनेताओं के okay, लिए ये आसान काम नहीं है जिमी शेरगिल को जिमी शेरगिल जो कि अब अपनी जो है फिल्मों में कभी जो है लड़की अपनी कभी फिल्मों में कभी लड़की नहीं पाने के लिए जो है यहाँ पे स्टूडियो टाइप हो गए हैं एक बार फिर से जो है कमतर साबित हुए हैं हालांकि थोड़े अलग तरीके से इसमें दिखाए गए हैं लेकिन दोस्तों आगे इस फिल्म के अंदर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शांतनु एक भरोसेमंद अभिनेता है जो कि स्क्रीन पर एक खास आकर्षण लेकर आते हैं दबंग में खराब शुरुआत के बाद साई को एक, एक दमदार भूमिका मिली है इससे वह बाखूबी निभा सकती है और वह इसका भरपूर जो फ़ायदा उठा सकती है दोस्तों ऑस्कर विजेता एमएम एम द्वारा जो है फिल्म का संगीत कुछ खास नहीं इसमें दिखाया गया है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे काट छाट करके जो इसे अच्छी तरह अच्छे जो है फिल्म बनाया जा सकता था लेकिन अफसोस की बात यह है कि द्रेज पांडे जिन्हें जो है लेखक का श्रेय भी दिया गया है बहुत आगे जो निकल है निकल गए हैं फिल्म का आखिरी शॉर्ट कहता है कभी कभी ये जो है कभी ख़त्म नहीं होता बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने एक समय पर जो है फिल्मों के बारे में महसूस किया था तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने जितना भी रिव्यू दिया है और पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं है क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज ही मिला हुआ है इस फिल्म को दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी के साथ दोस्तों एक और ख़बर छापा गया है आसिम अब्बासी अपनी मनोरंजन क्राइम थ्रिलर चुडैल्स के चार साल बाद जो है जी जिंदगी में वापस आए हैं उन्होंने फवाद खान और फिर जो है सनम जो है सईद को उनके लोकप्रियता रोमांटिक ड्रामा जिंदगी जो है गुलजार है कि 11 साल बाद फिर से जो है साथ लेकर कास्टिंग में एक बड़ा बदलाव किया है लेकिन इस लोग जो है फंडासी में उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा गया है जो कि आध्यात्मिक जो है यात्रा पर अप्रत्याशी साथी की भूमिका निभाते हैं लेकिन दोस्तों ये यात्रा अपनी ही जो है अतिश व्यक्ति से जो है इतनी जो है बधी हुई है कि ये समझना और थोड़ा सा सराहना और यहाँ पे करना कठिन हो जाता है इस फिल्म के अंदर कहानी लैंड ऑफ यहाँ पे नो वेयर में जो है सेट की गई है इस मूवीज की जो कि दोस्तों बता दें जो है संभवत और पाकिस्तान में एक घाटी है जहाँ पे जफ़र जो है यहाँ पे खान जफर खान जात उनके अलावा सलमान शाहिद एक अमीर परिवार का मुखिया बने हुए अपने जो है यहाँ पे अलग हुए जो है बेटों को अपनी जो है तीसरी शादी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं और वह उसके जो है पहली शादी से हुए जो है बच्चे हैं लेकिन दोस्तों यही एक मात्र कारण नहीं है कि वह जो है सहज है जफर अब अपने जो है यहाँ पे पहले प्यार जो है महताब से शादी करते हैं जिसकी जो है दस को पहले जो है मृत्यु हो गई थी लेकिन दोस्तों वह दृढ़ जो है निश्चय है क्योंकि पे अभी भी मौजूद है और दूसरी तरफ उनके छोटे बेटे जो है यहाँ पे शहरियान और फवाद जैसे जो है पे जैसे जो है, पे जो है इस घटनाओं को नकारते हैं जबकि दोस्तों उनके जो है देखभाल करने वाले जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे शहर जादे और फिर जो है सनम हमें जो अज्ञात विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है ये मूवी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है अजय देवगन की मस्ट फेवरेट फिल्म जिसका नाम है और कहा दम था इस मूवीज की बजट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट साथ ही साथ दोस्तों फिल्म ने कितनी कमाई की है इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हमने आपको विस्तार में बता दिया है तो उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेन आपको जरूर पसंद आया होगा तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी सुन चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूरोप चैनल एक एम इफेक्ट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की मच फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है में और दम था तो दोस्तों ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आप लोग को पता है ये मूवी दो अगस्त दो को रिलीज हुई है और इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है और ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एनालिसिस करेंगे बताएंगे फ़िल्म की कहानी कैसी है तो दोस्तों अगर आप लोग अजय देवगन के फ़ैन हो और औरों में कहाँ दम था इस फ़िल्म को देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एमोई शैड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए आइए दोस्तों अब हम से विस्तार में बात कर लेते हैं औरों में कहा नीरज पांडे द्वारा लिखित और निर्देशित की गई साल दो जो जो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर कहानी है इस फिल्म में दोस्तों अजय देवन और तब्बू अपनी दसवीं फिल्म में एक साथ अभिनय करते हुए नजर आए हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं फिल्म कैसी है क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज के बारे में तो दो अगस्त दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया है वहीं इस फिल्म की रॉन्ग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म 140 सौ चालीस की बनाई गई है फिल्म की बजट के बारे में हम बात करें तो सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ है फिल्म को बनाने में वहीं इस फिल्म की अभी तक की बॉक्स चौबीस के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने साढ़े नौ करोड़ तक कमाई किया है लेकिन दोस्तों अगर इस फिल्म को हिट होना है तो डेढ़ करोड़ से अधिक की कमाई करना होगा तो ही ये फिल्म हिट हो सकता है वहीं दोस्तों बात करें फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में अजय दुगंध तब्बू जिमी सुरगिल उनके अलावा संतनु महेश और फिर शाही मजरे कर फिल्म में अभिनय करती भी नजर आई है इसी के साथ दोस्तों पांडे और फिर देवगन के बीच परियोजना की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2023 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में ही पूरी हुई है इस फिल्म का स्कोर और फिल्म का साउंड एल्बम एमएम एम द्वारा एम तैयार किया गया है वहीं दोस्तों औरों में कहा दम था शुरू में 5 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फिल्म प्रदर्शकों और फिल्म वितरकों के अनुरोध पर ही इसमें देरी हुई अंत तक इससे आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 2 अगस्त 2024 को नाटक रूप से रिलीज किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म बन गई इसने दुनिया भर में दोस्तों सिर्फ नौ करोड़ की ही कमाई किया है बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी एक ऐसे जोड़ी की है जिनकी प्रेम कहानी दो से दो तक तेईस साल तक फैली हुई है जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते, जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते की भावनात्मक गहराई और फिर विकसित होती हुई नजर आती है इन गतिशीलताओं को दर्शाया गया है जो कि दोस्तों कृष्णा जो है कई हत्याओं में शामिल हो जाते हैं और उसे जो है आजीवन आज कारावास की सजा सुनाई जाती है इसके कारण जो है वसुधा उससे अलग हो जाती है और फिर जो है अभिजीत से शादी कर लेती है बाईस साल बाद जब वह कृष्णा को माफी मिलने के बाद जेल से रिहा किया जाता है तो वह जो है अशुधा से मिलने के लिए तरसता है और ये जो है कृष्णा और फिर जो है वसुधा के बीच एक अंतिम मुलाकात में परी एक अंतिम मुलाकात में जो है परिणत होता है है और दोस्तों बाकी कहानी कैसी है इसके बारे में हम थोड़ी देर में अब विस्तार में बात करेंगे वहीं दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी दो में शुरू हुई और पहला शेड्यूल मार्च दो में और अप्रैल दो में पूरा हुआ था वहीं इस फिल्म का उत्पादन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ और फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर मुंबई दिल्ली और लखनऊ में की गई है फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करें तो फिल्म का साउंड और बैकग्राउंड स्कोर एमएम के एमएम क्रीम द्वारा तैयार किया गया है जबकि दोस्तों गीत मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए थे वहीं दोस्तों टू शीर्षक वाला पहला एकल 18 जून 2024 को रिलीज किया गया था और वहीं दोस्तों ए यानी कि दिल जरा शीर्षक वाला दूसरा एकल 24 जून 2024 को रिलीज किया गया था बॉक्स चौबिस के बारे में हम बात करें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे जो है निराशाजनक रहा है इस फिल्म की क्योंकि ओपनिंग डे 2 अगस्त को दोस्तों ये सिर्फ एक करोड़ पचासी लाख की ही कमाई किया था और पिछले तीन दिनों का कलेक्शन जो है क्रमश सिर्फ दो ही करोड़ दो ही करोड़ बताया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक सिर्फ जो है नौ साढ़े नौ करोड़ तक की ही कमाई की है वहीं दोस्तों रिस्पॉन्स रेटिंग के बारे में हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धौल रोए ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहाँ दम था परिपक्व प्रेम कहानी का प्रयास है जो कि निष्पादन में लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और फिर पूर्वानुमय कथानक इसके प्रभाव में बाधा डालते हैं अगर आप दोस्तों जानबूझकर जो है की गई गति और भावनात्मक रूप से जो है यहाँ पे आवेश जो है कथाओं की सराहना करते हैं तो इसे देखें न्यू यहाँ पे 18 की तरफ से दोस्तों टेटस चौधरी ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दमता थोड़ा सा जो है जगह जगह हो सकता है और यहाँ तक कि दोस्तों उस जो है चमकदार जो है ड्राइव भी ड्राइव की भी कमी है लेकिन यहाँ पे चौकाने में लेकिन यहाँ पे दोस्तों चौकड़ी ने कंपनी चौकड़ी ने यहाँ पे कापती हुई जो स्क्रिप्ट को पूरी तरह से जो है टूटने से बचा लिया है वही टाइम्स नाउ की तरफ से दोस्तों तमई सऊ तमई जो है सऊदी ने इस फिल्म को फाइव से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दम था रेडीप डॉट कॉम की तरफ से जो है दीपा गहलोत ने भी फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए है इन्होंने लिखा है अपने शानदार शीर्षक से ही यहाँ पे औरों में कहा दम था एक महाकाव्य बनने का लक्ष्य रखा गया है लगातार यहाँ पे असफल होता रहा है जो कि बॉलीवुड हंगामा की तरफ से एक आलोचक ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दी है और इन्होंने लिखा है कि औरों में कहाँ दम था एक धीमी और फिर एक उबाऊ जो फिल्म है जो कि दोस्तों कहानी में कमी और एक यहाँ पे पूर्वानुमानित जो है चरमो के कारण यह फिल्म थोड़ा सा ग्रस्त होता है वहीं दोस्तों फर्स्ट पोस्ट के तरफ से इस फिल्म को लक्ष्मी देव देवरो ने फाइव में से टू स्टार दिया है और इन्होंने लिखा है ऐसा लग रहा था कि निराश पांडे रोमांटिक और सस्पेंस थ्रिलर बनाने में पूरी तरह से जो है विफल रहे जिसे दोस्तों उन्होंने शायद जो है बनाने की कोशिश की थी लेकिन फिल्म में दर्शकों को बाध्य रखने या फिर जो स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए जोश की कमी थी कहानी में वह उत्साह नहीं है जो कि आज के दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है जो कि दोस्तों न केवल जो है भारतीय सिनेमा की बल्कि जो है विश्व सिनेमा से भी परिचित कराया गया है इसी के साथ दोस्तों द दो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है अनुभवी योद्धा अजय देवगन और फिर जो है तब्बू को सितारों से जो है टकराते सितारों से टकराते रोमांस में जो है देखने का आनंद मिला है जो कि फिल्म के खराब जो है ट्रीटमेंट के कारण जो है कम हो गया है ताज़ा होने के बजाय ये पुरानी लगती है देखने में और एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों जो अपनी स्टार जोड़ी के लिए अनुपयुक्त है जो कि दोस्तों औरों में कहा दम था एक ऐसी फिल्म के लिए एक भादा शीर्षक रखा गया जिससे कुछ और नहीं होना चाहिए था वहीं दोस्तों इंडिया टूडे की तरफ से आरुषि जैन ने इस फिल्म को फाइव में से वन स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और इन्होंने लिखा है ये उबाऊ फिल्म है ये धीमी फिल्म है और यह रोमांटिक नहीं है ये मज़ेदार भी नहीं है और ये दुखद नहीं देता है क्योंकि एक सौ की एक निराश फिल्म जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है ये कमज़ोर होती जाती है जिससे जो है कुछ बहुत ही जो पूर्वानुमानित कथानक सामने आई है वहीं दोस्तों हालांकि शब्द का यहाँ पे और शब्दिक अर्थ यही कि दूसरों में हिम्मत कहाँ थी लेकिन ये जो है यहाँ पे वाक्यांश के यहाँ पे वास्तविक जो है अर्थ को नहीं दर्शाती है इसका उपयोग आम तौर पर दोस्तों तब किया जाता है जब कोई अपने ही जो है रिश्तेदारों से हार जाते हैं जैसे कि दोस्तों बता दें एक पिता अपने ही बेटे से एक पति अपनी पत्नी से और आदि इस जो है भावनाओं को इस हिंदी जो है दोहे में सबसे जो अच्छी तरह से जो है उजागर किया गया है और हमें तो अपनों ने लूटा आ, हमें तो अपनों ने लूटा गहरों में कहाँ दम था मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था मैं अपने ही रिश्तेदारों से हार गया दूसरे किसी दूसरे आ, दूसरे कभी जो है सपनों में भी नहीं सोच सोच सकते मैंने जो है गहरे पानी को जीत लिया लेकिन अफसोस जो है उथले पानी में मैं डूब गया और दोस्तों इस कहानी की आत्मा इस भावनाओं को दर्शाती है कि यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि फ़िल्म का नाम हिंदी में अनुवादित होने पर औरों में कहाँ दम था के रूप में जो है पढ़ा जाता है जो कि दोस्तों जो जो, जो कि दोस्तों यहाँ पे की मूल दो यहाँ पे दोहे और गैरों में कहाँ दम था एक बहुत ही मामूली संशोधन वाली फिल्म है जो कि दर्शक ने इस फिल्म को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया है दो के अंदर इसी के साथ दोस्तों समीक्षक ने बताया है नीरज पांडे के बारे में बताया औरों में कहाँ दम था आम रोमांटिक किरदार से हटकर थोड़ा सा अलग फिल्म है और प्यार नुकसान और फिर जो है लालसी की धीमी गति से थोड़ा सा जलने वाली खोज है कहानी जेल में शुरू होती है जो कि हमें एक दुर्जय जो है कृष्णा अजय देवगन से मिलवाया जाता है और फिर एक यहाँ पे कोमल प्रेम कहानी का खुलासा किया जाता है फ्लैशबैक हमें युवा और फिर जो है कृष्णा यानी कि शांतनु महेश्वरी के वसुधा साई मंजरेकर के साथ जो है रोमांस और कैसे एक घटना उसे 25 साल के लिए जेल भेज देती है और तब तक जो है इस कहानी को थोड़ा सा रोक दिया जाता है और अच्छे जो है व्यवहार के कारण जो है पहले रिहा होने पर कृष्णा अब शादीशुदा वसुधा तब्बू से तब्बू के साथ फिर से मिलने की कोशिश करने लग जाता है कहानी अजय देवगन द्वारा कृष्ण की बारीक जो है भूमिका और फिर एक जो अपराधी से एक कमजोर प्रेमी में उनके परिवर्तन पर आधारित है दिलचस्प बात यह है कि संतानु मेह महेश्वरी का किरदार जो है पूरी तरह से अलग है एक आ, एक साधारण और फिर एक नेक आदमी से एक यहाँ पे समझदार जो है जेल से जो है यहाँ पे बचने वाले व्यक्ति तब तक जो है लेकिन अपने जो है वरिष्ठ अपने वरिष्ठ तो सह कलाकारों की तरह ही सहज दिखता है और तब उन्हें शांति तीव्रता के साथ जो अभिनय भी किया है जो अतीश से प्रीत एक महिला की जटिलताओं को पकड़ लेती है और अपने जो है वर्तमान के साथ जो है तालमेल बिठाती है दोनों की केमिस्ट्री यहाँ पे स्पष्ट नजर आती है जो कि फिल्म के भावनात्मक के केंद्र में गहराई जोड़ती है और जबकि दोस्तों यहाँ पे साई रेकर ने भी उतना ही अच्छा अभिनय किया है और वहीं दोस्तों जीमी गिल ने यहाँ पे वो सुधा के पति और फिर अभिजीत के रूप में एक छोटी लेकिन यहाँ पे प्रभावशाली भूमिका फिल्म में निभाई है दमदार अभिनय के अलावा एम एम क्रीम का भावपूर्ण बैकग्राउंड स्कोर अलग तत्व पर घूमता है जो कि फिल्म की मार फिल्म की यहाँ पे मार्मिकता में महत्वपूर्ण योग्यदान देता है वहीं दूसरी तरफ फिल्म की टोन में कुछ असंगतता है क्योंकि जिसमें जो है आपको नब्बे के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की याद आती है इसमें त्यौहार के गाने और फिर जो है एथलेटिक जो है कृष्णा का फिल्म के अंदर जो है मानसर जो है गुंडों से मुलाकात किया जाता है बारिश में एक्शन सीक्वेंस आदि शामिल है लेकिन दोस्तों यहाँ पे कथी कुलोद और फिर यहाँ पे परवीन का संपादन जो है यहाँ पे पहले हाथ में कई जगहों पर यहाँ पे झटक ज़टक, झटकेदार है क्योंकि मुख्य मोर और फिर जो है अपराध का रहस्यो पूर्व पूर्वानुमानित है और इसमें दोस्तों कुछ भी नया नहीं है हालांकि आपको बदौलत है कुछ यहाँ है पे हंसी दिलचस्पी दिखाती है ये मूवी इसके अलावा दोस्तों औरों में कहा दम था? एक परिपक्वता प्रेम कहानी का प्रयास है जो कि निष्पादन में लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और सूर्य पूर्वानुमानित कथानक इसके प्रभाव को थोड़ा सा बाधित करता है तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने कुछ खास रिव्यू नहीं दिया है इस फिल्म को अगर आप लोग इस मूवीज को देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोग अजय देवगन के फैन हो तो इस फिल्म को आप लोग देख सकते हो वरना इस फिल्म को आप लोग स्किप भी कर सकते हो वैसे भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट काफी ज्यादा निराशाजनक साबित हुई है औरों में कहा दम था दो में आई अंग्रेजी जो है कुरियाई ड्रामा पास्ट लाइव से कुछ हद तक जो है मिलता जुलता है इसमें 24 साल की अवधि में दो किरदारों के जीवन को दिखाया गया है जब वो अलग अलग रास्ते पर चलते हैं और कई जो है सालों बाद जो अलग अलग जो है परिस्थितियों में फिर से जो है मिलते हैं लेकिन उनमें से एक को एहसास होता है कि उन्होंने कभी दूसरे व्यक्ति से प्यार करना बंद नहीं किया और ये सीधे मुद्दे पर था और फिर जो भावनाएं कच्ची थी और दुख की बात यह है कि यहाँ पे आ, सबसे पहले जो है मिनिम सबसे पहले जो है मिनिम लिप्स और फिर जो है बॉलीवुड की कहानी कहने की शैली के अनुकूल नहीं है दोस्तों इस हिंदी नाटक की शुरुआत जो अपराधी जो कृष्ण अजय देवगन द्वारा अभिनीत से होती है शुरू जो कि जेल से जो है बाहर नहीं निकलना चाहता और वह पिछले जो है तेईस सालों से दोहरे जो है हत्याकांड की सजा काट रहा है और उसने जो है जो, है जो किया हुआ मूल रूप से औरों में औरों में की कहानी है जो कि वास्तव में जो है बहुत ही कमजोर हमें देखने में लगती है अब यहाँ पे संतानु महेश्वरी ने 2001 में अजय देवगन के बचपन का किरदार निभाया है जो कि दोस्तों वसुधा एक चुलबुली साइमनजरेकर से प्यार करता है लेकिन उनकी लेकिन उनकी केमिस्ट्री जो है विश्वसनीय है और फिर यह एक महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके बड़े रूपों के अजय और फिर जो है तब्बू ने निभाया है जो कि दोस्तों एक साथ अपने जो है यहाँ पे हजार भी जो है फिल्म हजारों फिल्म कर रहे हैं लेकिन दोस्तों एक रात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है दोस्तों वसुधा कृष्ण का इंतज़ार क्यों नहीं किया जाता है और वह जेल से क्यों नहीं कर दी और वह जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहता आखिरकार उन्हें कौन मिलवाता है यह भी देखना पड़ेगा इस फिल्म में और उन दम था एक ही समय में प, एक ही समय में पारंपरिक और फिर जो है अपरम्परगर्ता दोनों है मैं अलग अलग जो है आयु और फिर जो है समूहों के बारे में प्रेम कहानियाँ बनाने के पक्ष में हो क्योंकि यहाँ हम जो है देखते हैं कि युवा प्रेम कितना जो है उतावला होता हुआ नजर आता है साथ ही दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है प्रेम कितना जो है व्यवहारिक होता है ये भी हमें फ़िल्म में देखने को मिल जाती है इस फिल्म की पहला भाग दोस्तों बेहद धीमा है कहानी में कई जो है फ्लैशबैक मौजूद है और हम गति के साथ जो है बने रहने की कोशिश करते हैं कहानी दिलचस्प होनी चाहिए लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा खींची हुई है पहला घंटा एक डेली शॉप के तीन घंटे लंबे और महा जो है एपिसोड जैसा इस फिल्म में हमें लगता है वहीं दोस्तों आगे आखिरकार हमें बताया जाता है कि सालों पहले उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को क्या हुआ था इसलिए हमें जो है सांस लेने के लिए अंतराल मिल जाता है लेकिन आप आगे आने वाली जो है चीजों के लिए तैयार नहीं है बिना कुछ बताए ये अनिस जो है बजमी की 2007 की मज़ेदार फिल्म जो है यहाँ पे वेलकम के दूसरे भाग में जो हुआ था उसका जो है नाटकीय संस्करण है बस हमें जो है अलग अलग जो है दृष्टिकोण से तीन बार जो है तीन बार जो है घटनाओं का एक ही जो है क्रम दिखाया जाता है और क्या हमने जो है पहले ही जो है डेली डेली शॉप के जो है समानता डेली शॉप की समानतरों का उल्लेख किया है जो चीज़ हमें जो है बचाती है वो ये है कि कुछ यहाँ पे चतुराई से लिखे गए वन लाइनर और फिर यहाँ पे चुटेले जो है संदर्भ एक समय ऐसा आया जब अजय के दोस्तों ने अपनी जो है कार में जो है रेडियो लगाया और उसमें उनकी ही जो है फिल्म दिलवाले का गाना जीता था जिसके लिए बजा रहे थे तो दोस्तों थिएटर में जो है तालियां बजने लगी और जब जो है फिल्म यहाँ यहाँ पे हल्की होती है तो वह जो है चमकती हुई नज़र आती है और ऐसे दिल जरा कि यहाँ पे ऐसे दिल जरा कि यहाँ पे जैसे कुछ अनशक्त गाने आपको थोड़ा सा थका देंगे इस फिल्म के अंदर अजय देवगन को यहाँ कोई भारी जो है काम नहीं करना पड़ता है उन्हें बस शांत और शांत रहना है तब उन्हें अच्छा काम किया है लेकिन दोस्तों फिर से जो है उनके जैसे अनुभवी अभिनेताओं के लिए ये आसान काम नहीं है जिमी शेरगिल को जिमी शेरगिल जो कि अब अपनी जो है फ़िल्मों में कभी जो है लड़की अपनी कभी फिल्मों में कभी लड़की नहीं पाने के लिए जो है यहाँ पे स्टूडियो टाइप हो गए हैं एक बार फिर से जो है कमतर साबित हुए हैं हालांकि थोड़े अलग तरीके से इसमें दिखाए गए हैं लेकिन दोस्तों आगे इस फिल्म के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि शांतनु एक भरोसेमंद अभिनेता है जो कि स्क्रीन पर एक खास आकर्षण लेकर आते हैं दबंग में खराब शुरुआत के बाद साई को एक दमदार भूमिका मिली है इसे वह बाखूबी निभा सकती है और वह इसका भरपूर जो फ़ायदा उठा सकती है दोस्तों ऑस्कर विजेता एमएम एम द्वारा जो है फ़िल्म का संगीत कुछ खास नहीं इसमें दिखाया गया है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे काट छाट करके जो इसे अच्छी तरह अच्छे जो है फिल्म बनाया जा सकता था लेकिन अफसोस की बात यह है कि धनज पांडे जिन्हें जो है लेखक का श्रेय भी दिया गया है बहुत आगे जो है निकल गए हैं फिल्म का आखिरी शॉर्ट कहता है कभी कभी ये जो है कभी ख़त्म नहीं होता बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने एक समय पर जो है फिल्मों के फार में महसूस किया था तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने जितना भी रिव्यू दिया है और पॉजिटिव रिव्यूज नहीं है क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज ही मिला हुआ है इस फिल्म को दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसी के साथ दोस्तों एक और खबर छापा गया है आसिम अब्बासी अपनी मनोरंजन क्राइम थ्रिलर चुडैल्स के चार साल बाद जो है जी जिंदगी में वापस आए हैं उन्होंने फवाद खान और फिर जो है सनम जो है सईद को उनके लोकप्रियता रोमांटिक ड्रामा जिंदगी जो है गुलजार है कि 11 साल बाद फिर से जो है साथ है लेकर कास्टिंग में एक बड़ा बदलाव किया है लेकिन इस लोग जो है फंडासी में उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा गया है जो कि आध्यात्मिक जो है यात्रा पर अप्रत्याशी साथी की भूमिका निभाते हैं लेकिन दोस्तों ये यात्रा अपनी ही जो है अतिश व्यक्ति से जो है इतनी जो है बधी हुई है कि ये समझना और थोड़ा सा सराहना और यहाँ पे करना कठिन हो जाता है इस फिल्म के अंदर कहानी लैंड ऑफ यहाँ पे नो वेयर में जो है सेट की गई है इस मूवीज़ की जो कि दोस्तों बता दें जो है संभवत और पाकिस्तान में एक घाटी है जहाँ पे जफर जो है यहाँ पे खान जफर खान जात उनके अलावा सलमान शाहिद एक अमीर परिवार का मुखिया बने हुए अपने जो है यहाँ पे अलग हुए जो है बेटों को अपनी जो है तीसरी शादी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं और वह उसके जो है पहली शादी से हुए जो बच्चे है बच्चे हैं लेकिन दोस्तों यही एक मात्रा कारण नहीं है कि वह जो है सहज है जफर अब अपने जो है यहाँ पे पहले प्यार जो है महताब से शादी करते हैं जिसकी जो है दस को पहले जो है मृत्यु हो गई थी लेकिन दोस्तों वह दृढ़ जो है निश्चय है क्योंकि पे अभी भी मौजूद है और दूसरी तरफ उनके छोटे बेटे जो यहां पे शहरियान और फवाद जैसे जो है जैसे जो है पे, पे आज जो है इस घटनाओं को नकारते हैं जबकि दोस्तों उनके जो है देखभाल करने वाले जो यहाँ पे यहाँ पे शहर यहाँ पे शहर जादे और फिर जो है सनम हमें जो अज्ञात विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है ये मूवी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है अजय देवगन की मच फेवरेट फिल्म जिसका नाम है और में कहा दम था इस मूवीज़ की बजट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट साथ ही साथ दोस्तों फिल्म ने कितनी कमाई की है इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने आपको विस्तार में बता दिया है तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा तो आज की इस के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूरोप चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की मच फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है औरों में दम था तो दोस्तों ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आप लोग को पता है ये मूवी दो अगस्त दो को रिलीज हुई है और इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है और यह फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एनालिसिस करेंगे बताएंगे फिल्म की कहानी कैसी है तो दोस्तों अगर आप लोग अजय देवगन के फ़ैन हो और औरों में कहाँ दम था इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए आइए दोस्तों अब हम से विस्तार में बात कर लेते हैं और बारे में दोस्तों बता दें नीरज पांडे द्वारा लिखित और निर्देशित की गई साल दो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर कहानी है इस फिल्म में दोस्तों अजय देवगन और तब्बू अपनी दसवीं फिल्म में एक साथ अभिनय करते हुए नजर आए हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं फिल्म कैसी है क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज के बारे में तो दो अगस्त दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया है वहीं इस फिल्म के रॉन्ग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म 140 सौ मिनट की बनाई गई है फिल्म की बजट के बारे में हम बात करें तो सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ है, है फिल्म को बनाने में वहीं इस फिल्म की अभी तक की बॉक्स चौबीस के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने साढ़े नौ करोड़ तक कमाई किया है लेकिन दोस्तों अगर इस फिल्म को हिट होना है तो डेढ़ करोड़ से अधिक की कमाई करना होगा तो ही ये फिल्म हिट हो सकता है वहीं दोस्तों बात करें फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में अजय दुगन तब्बू जिमी सिर्गिल उनके अलावा संतनु महेश और फिर कर फिल्म में करते हुई नजर आई है साथ दोस्तों, पांडे और फिर देवगन के बीच परियोजना की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2023 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में ही पूरी हुई है इस फिल्म का स्कोर और फिल्म का साउंड एल्बम एम एम किरा द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों और शुरू में 5 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फिल्म प्रदर्शकों और फिल्म वितरकों के अनुरोध पर ही इसमें देरी हुई अंत तक इससे आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 2 अगस्त 2024 को नाटक रूप से रिलीज किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म बन गई इसने दुनिया भर में दोस्तों सिर्फ नौ करोड़ की ही कमाई किया है बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी एक ऐसे जोड़ी की है जिनकी प्रेम कहानी दो से दो तक तेईस साल तक फैली हुई है जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते की भावनात्मक गहराई और फिर विकसित होती हुई नजर आती है इन गतिशीलताओं को दर्शाया गया है जो कि दोस्तों कृष्णा जो है कई हत्याओं में शामिल हो जाते हैं और उसे जो है आजीवन आज कारावास की सजा सुनाई जाती है इसके कारण जो है वसुधा उससे अलग हो जाती है और फिर जो है अभिजीत से शादी कर लेती है बाईस साल बाद जब वह कृष्णा को माफ़ी मिलने के बाद जेल से रिहा किया जाता है तो वह जो है अशुधा से मिलने के लिए तरसता है और ये जो है कृष्णा और फिर जो है वसुधा के बीच एक अंतिम मुलाकात में परी एक अंतिम मुलाकात में जो है परिणत होता है और दोस्तों बाकी कहानी कैसी है इसके बारे में हम थोड़ी देर में अब विस्तार में बात करेंगे वहीं दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी दो में शुरू हुई और पहला शेड्यूल मार्च दो में और अप्रैल दो में पूरा हुआ था वहीं इस फिल्म का उत्पादन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ और फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर मुंबई दिल्ली और लखनऊ में की गई है फिल्म के साउंड के बारे में हम बात करें तो फिल्म का साउंड और बैकग्राउंड स्कोर एमएम के एमएम क्रीम द्वारा तैयार किया गया है जबकि दोस्तों गीत मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए थे वहीं दोस्तों टू शीर्षक वाला पहला एकल 18 जून 2024 को रिलीज किया गया था और वहीं दोस्तों ए यानी कि दिल जरा शीर्षक वाला दूसरा एकल 24 जून 2024 को रिलीज किया गया था बॉक्स चौबिस के बारे में हम बात करें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे जो है निराशाजनक रहा है इस फिल्म की क्योंकि ओपनिंग डे 2 अगस्त को दोस्तों ये सिर्फ एक करोड़ पचासी लाख की ही कमाई किया था और पिछले तीन दिनों का कलेक्शन जो है क्रमश सिर्फ दो ही करोड़ दो ही करोड़ बताया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक सिर्फ जो है नौ साढ़े नौ करोड़ तक की ही कमाई की है वहीं दोस्तों रिस्पॉन्स रेटिंग के बारे में हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धवल रोए ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहाँ दम था एक परिपक्व प्रेम कहानी का प्रयास है जो कि निष्पादन में लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और फिर फूर्वानुमय कथानक इसके प्रभाव में बाधा डालते हैं अगर आप दोस्तों जानबूझकर जो है की गई गति और भावनात्मक रूप से जो है यहाँ पे आवेश जो है कथाओं की सराहना करते हैं तो इसे देखें न्यू यहाँ पे अठारह की तरफ से दोस्तों टेटस चौधरी ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दमता थोड़ा सा जो है जगह जगह हो सकता है और यहाँ तक कि दोस्तों उस जो है चमकदार जो है ड्राइव भी ड्राइव की भी कमी है लेकिन यहाँ पे चौकाने में लेकिन यहाँ पे दोस्तों चौकड़ी ने कंपनी चौकड़ी ने यहाँ पे काँपती हुई जो स्क्रिप्ट को पूरी तरह से जो है टूटने से बचा लिया है वही टाइम्स नाउ की तरफ से दोस्तों तमई सऊ तमई जो है सऊदी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दम था रेडी डॉट कॉम की तरफ से जो है दीपा गहलोत ने भी फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए है इन्होंने लिखा है अपने शानदार शीर्षक से ही यहाँ पे औरों में कहाँ दम था एक महाकाव्य बनने का लक्ष्य रखा गया है लगातार यहाँ पे असफल होता रहा है जो कि बॉलीवुड हंगामा की तरफ से एक आलोचक ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दी है और इन्होंने लिखा है कि औरों में कहाँ दम था एक धीमी और फिर एक उबाउज हुई फिल्म है जो कि दोस्तों कहानी में कमी और एक यहाँ पे पूर्वानुमानित जो है चर्मो के कारण यह फिल्म थोड़ा सा ग्रस्त होता है वही दोस्तों फर्स्ट पोस्ट के तरफ से इस फिल्म को लक्ष्मी देवरोय ने फाइव में से टू स्टार दिया है और इन्होंने लिखा है ऐसा लग रहा था कि निराश पांडे रोमांटिक और सस्पेंस थ्रिलर बनाने में पूरी तरह से जो है विफल रहें जिसे दोस्तों उन्होंने शायद जो है बनाने की कोशिश की थी लेकिन फिल्म में दर्शकों को बाध रखने या फिर जो स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए जोश की कमी थी कहानी में वह उत्साह नहीं है जो कि आज के दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि दोस्तों न केवल जो है भारतीय सिनेमा की बल्कि जो है विश्व सिनेमा से भी परिचित कराया गया है इसी के साथ दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है अनुभावी योद्धा अजय देवगन और फिर जो है तब्बू को सितारों से जो है टकराते सितारों से टकराते रोमांस में जो है देखने का आनंद है मिला है जो कि फिल्म के खराब जो है ट्रीटमेंट के कारण जो है कम हो गया है ताज़ा होने के बजाय ये पुरानी लगती है देखने में और एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों जो अपनी स्टार जोड़ी के लिए अनुपयुक्त है जो कि दोस्तों औरों में कहा दम था एक ऐसी फिल्म के लिए एक भद्दा शीर्षक रखा गया जिससे कुछ और नहीं होना चाहिए था वहीं दोस्तों इंडिया टूडे की तरफ से आरूसी जैन ने इस फिल्म को फाइव में से वन स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और इन्होंने लिखा है ये उबाऊ फिल्म है ये धीमी फिल्म है और यह रोमांटिक नहीं है ये मज़ेदार भी नहीं है और ये दुखद नहीं देता है क्योंकि एक सौ बिन की एक निराश फिल्म जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है ये कमज़ोर होती जाती है जिससे जो है कुछ बहुत ही जो पूर्वानुमानित कथानक सामने आई है वहीं दोस्तों हालांकि शब्द का यहाँ पे और शब्दिक अर्थ यह है कि दूसरों में हिम्मत कहाँ थी लेकिन ये जो है यहाँ पे वाक्यांश के यहाँ पे वास्तविक जो है अर्थ को नहीं दर्शाती है इसका उपयोग आम तौर पर दोस्तों तब किया जाता है जब कोई अपने ही जो है रिश्तेदारों से हार जाते हैं जैसे कि दोस्तों बता दें एक पिता अपने ही बेटे से एक पति अपनी पत्नी से और आदि इस जो है भावनाओं को इस हिंदी जो है दोहे में सबसे जो अच्छी तरह से जो है उजागर किया गया है और हमें तो अपनों ने लूटा आ, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था मैं अपने ही रिश्तेदारों से हार गया दूसरे किसी दूसरे आ, दूसरे कभी जो है सपनों में भी नहीं सोच सोच सकते मैंने जो है गहरे पानी को जीत लिया लेकिन अफसोस जो है उतले पानी में मैं डूब गया और दोस्तों इस कहानी की आत्मा इस भावनाओं को दर्शाती है कि यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि फिल्म का नाम हिंदी में अनुवादित होने पर औरों में कहाँ दम था के रूप में जो है पढ़ा जाता है जो कि दोस्तों जो जो कि दोस्तों यहाँ पे की मूल दो यहाँ पे दोहे और गैरों में कहाँ दम था एक बहुत ही मामूली संशोधन वाली फिल्म है जो कि दर्शक ने इस फिल्म को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया है दो के अंदर इसी के साथ दोस्तों समीक्षक ने बताया है नीरज पांडे के बारे में बताया औरों में कहाँ दम था आम रोमांटिक किरदार से हटकर थोड़ा सा अलग फिल्म है और प्यार नुकसान और फिर जो है लालसी की धीमी गति से थोड़ा सा जलने वाली खोज है कहानी जेल में शुरू होती है जो कि हमें एक दुर्जय जो है कृष्णा अजय देवगन से मिलवाया जाता है और फिर एक यहाँ पे कोमल प्रेम कहानी का खुलासा किया जाता है फ्लैशबैक हमें युवा और फिर जो है कृष्णा यानी कि शांतनु महेश्वरी के वसुधा साई मंजरेकर के साथ जो है रोमांस और कैसे एक घटना उसे पच्चीस साल के लिए जेल भेज देती है और तब तक जो है इस कहानी को थोड़ा

एक यहाँ पे समझदार जो है जेल से जो है यहाँ पे बचने वाले व्यक्ति तब तक जो है लेकिन अपने जो है वरिष्ठ अपने वरिष्ठ सह कलाकारों की तरह ही सहज दिखता है और तब उन्हें शांति तीव्रता के साथ जो अभिनय किया है जो अति से अतिशीत एक महिला की जटिलताओं को पकड़ लेती है और अपने जो है वर्तमान के साथ जो है तालमेल बिठाती है दोनों की केमिस्ट्री यहाँ पे स्पष्ट नजर आती है जो कि फिल्म के भावनात्मक के केंद्र में गहराई जोड़ती है और जबकि दोस्तों यहाँ पे साई रेकर ने भी उतना ही अच्छा अभिनय किया है और वहीं दोस्तों जीमी गिल ने यहाँ पे वो सुधा के पति और फिर अभिजीत के रूप में एक छोटी लेकिन यहाँ पे प्रभावशाली भूमिका फिल्म में निभाई है दमदार अभिनय के अलावा एमएम क्रीम का भावपूर्ण बैकग्राउंड स्कोर अलग तत्व पर घूमता है जो कि फिल्म की मार फिल्म की यहाँ पे मार्मिकता में महत्वपूर्ण योग्य देता है वहीं दूसरी तरफ फिल्म की टोन में कुछ अनसंगतता है क्योंकि जिसमें जो है आपको नब्बे के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की याद आती है इसमें त्यौहार के गाने और फिर जो है एथलेटिक जो है कृष्णा का फिल्म के अंदर जो है मानसल जो है गुंडों से मुलाकात किया जाता है बारिश में एक्शन सीक्वेंस आदि शामिल है लेकिन दोस्तों यहाँ पे कथित कुलोद और फिर यहाँ पे परवीन का संपादन जो है यहाँ पे पहले हाथ में कई जगहों पर यहाँ पे झटक जड़क, झटकेदार है क्योंकि मुख्य मोर और फिर जो है अपराध का रहस्यो घाटन पूर्व अनुमानित है और इसमें दोस्तों कुछ भी नया नहीं है हालांकि आपको बता दें जानबूझकर जो जो सुस्त कथानक अंतराल तक स्थिर लगता है दूसरे हाफ में गति पकड़ लेता है फिल्म जो कि अंतराल के बाद जो है फिल्म कृष्णा के सबसे अच्छे दोस्त यहाँ पे और जिग्नेश जय ओ ओप के बदौलत जो है कुछ यहाँ पे हसी दिलचस्पी दिखाती है ये मूवी इसके अलावा दोस्तों औरों में कहा दम था एक परिपक्वता प्रेम कहानी का प्रयास है जो कि निष्पादन में लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और फिर पूर्व अनुमानित कथानक इसके प्रभाव को थोड़ा सा बाधित करता है तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने कुछ खास रिव्यू नहीं दिया है इस फिल्म को अगर आप लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोग अजय देवगन के फैन हो तो इस फिल्म को आप लोग देख सकते हो वरना इस फिल्म को आप लोग स्किप भी कर सकते हो वैसे भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक साबित हुई है औरों में कहा दम था 2023 में आई अंग्रेज़ी जो है कुरियाई ड्रामा पास्ट लाइफ से कुछ हद तक जो है मिलता जुलता है इसमें 24 साल की अवधि में दो किरदारों के जीवन को दिखाया गया है जब वो अलग अलग रास्ते पर चलते हैं और कई जो है सालों बाद जो अलग, अलग अलग जो है परिस्थितियों में फिर से जो है मिलते हैं लेकिन उनमें से एक को एहसास होता है कि उन्होंने कभी दूसरे व्यक्ति से प्यार करना बंद नहीं किया और ये सीधे मुद्दे पर था और फिर जो भावनाएं कच्ची थी और दुख की बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है मिनिम सबसे पहले जो है मिनिम लिप्स और फिर जो है बॉलीवुड की कहानी कहने की शैली के अनुकूल नहीं है दोस्तों इस हिंदी नाटक की शुरुआत जो अपराधी जो कृष्ण अजय देवगन द्वारा अभिनीत से होती है शुरू जो कि जेल से जो है बाहर नहीं निकलना चाहता और वह पिछले जो है तेईस सालों से दोहरे जो है हत्याकांड की सजा काट रहा है और उसने जो है जो किया हुआ मूल रूप से औरों में औरों में की कहानी है जो कि वास्तव में जो है बहुत ही कमजोर हमें देखने में लगती है अब यहाँ पे संतानु महेश्वरी ने 2001 में अजय देवगन के बचपन का किरदार निभाया है जो कि दोस्तों वसुधा एक चुलबुली साई रेकर से प्यार करता है लेकिन उनकी लेकिन उनकी केमिस्ट्री जो है विश्वसनीय है और फिर यह एक महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके बड़े रूपों को अजय और फिर जो है तब्बू ने निभाया है जो कि दोस्तों एक साथ अपनी जो है यहाँ पे हजार भी जो है फिल्म हजारों फ़िल्म कर रहे हैं लेकिन दोस्तों एक रात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है दोस्तों वसुधा कृष्ण का इंतजार क्यों नहीं किया जाता है और वह जेल से क्यों नहीं कर दी और वह जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहता आखिरकार उन्हें कौन मिलवाता है यह भी देखना पड़ेगा इस फिल्म में और उन दम था एक ही समय में पर, एक ही समय में पारंपरिक और फिर जो है अपरम्परगर्ता दोनों है मैं अलग अलग जो है आयु और फिर जो है समूहों के बारे में प्रेम कहानियां बनाने के पक्ष में हो क्योंकि यहाँ हम जो है देखते हैं कि युवा प्रेम कितना जो है उतावला होता हुआ नजर आता है साथ ही दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है प्रेम कितना जो है व्यवहारिक होता है ये भी हमें फिल्म में देखने को मिल जाती है इस फिल्म की पहला भाग दोस्तों बेहद धीमा है कहानी में कई जो है फ्लैशबैक मौजूद है और हम गति के साथ जो है बने रहने की कोशिश करते हैं कहानी दिलचस्प होनी चाहिए लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा खींची हुई है पहला घंटा एक डेली शॉप के तीन घंटे लंबे और महा जो है एपिसोड जैसा इस फिल्म में हमें लगता है वहीं दोस्तों आगे आखिरकार हमें बताया जाता है कि सालों पहले उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को क्या हुआ था इसलिए हमें जो है सांस लेने के लिए अंतराल मिल जाता है लेकिन आप आगे आने वाली जो है चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं बिना कुछ बताए ये अनिश जो है बजमी की 2007 की मज़ेदार फिल्म जो है यहाँ पे वेलकम के दूसरे भाग में जो हुआ था उसका जो है नाटकीय संस्करण है बस हमें जो है अलग अलग जो है दृष्टि कौन से तीन बार जो है तीन बार जो है घटनाओं का एक ही जो है क्रम दिखाया जाता है और क्या हमने जो है पहले ही जो है डेली डेली शॉप के जो है समानता डेली शॉप की समानतरों का उल्लेख किया है जो चीज़ हमें जो है बचाती है वो ये है कि कुछ यहाँ पे चतुराई से लिखे गए वन लाइनर और फिर यहाँ पे चुटेले जो है संदर्भ है एक समय ऐसा आया जब अजय के दोस्तों ने अपनी जो है कार में जो है रेडियो लगाया और उसमें उनकी ही जो है फिल्म दिलवाले का गाना जीता था जिसके लिए बजा रहे थे तो दोस्तों थिएटर में जो है तालियां बजने लगी और जब जो है फिल्म यहाँ यहाँ पर हल्की होती है तो वह जो है चमकती हुई नज़र आती है और ऐसे दिल जरा के यहाँ पे ऐसे दिल जरा कि यहाँ पे जैसे कुछ जो अनशक्त गाने आपको थोड़ा सा थका देंगे इस फिल्म के अंदर अजय देवगन को यहाँ कोई भारी जो है काम नहीं करना पड़ता है उन्हें बस शांत और शांत रहना है तब उन्हें अच्छा काम किया है लेकिन दोस्तों फिर से जो है उनके जैसे अनुभवी अभिनेताओं के okay, लिए ये आसान काम नहीं है जिमी शेरगिल को जिमी शेरगिल जो कि अब अपनी जो है फ़िल्मों में कभी जो है लड़की अपनी कभी फिल्मों में कभी लड़की नहीं पाने के लिए जो है यहाँ पे स्टूडियो टाइप हो गए हैं एक बार फिर से जो है कमतर साबित हुए हैं हालांकि थोड़े अलग तरीके से इसमें दिखाए गए हैं लेकिन दोस्तों आगे इस फिल्म के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि शांतनु एक भरोसेमंद अभिनेता है आकर्षण लेकर आते हैं दबंग में खराब शुरुआत के बाद साई को एक दमदार भूमिका मिली है इसे वह बाखूबी निभा सकती है और वह इसका भरपूर जो फायदा उठा सकती है दोस्तों ऑस्कर विजेता एव एम रो द्वारा जो है फिल्म का संगीत कुछ खास नहीं इसमें दिखाया गया है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे काट छाट करके जो इसे अच्छी तरह अच्छे जो है फिल्म बनाया जा सकता था लेकिन अफसोस की बात यह है कि द्रेज पांडे जिन्हें जो है लेखक का श्रेय भी दिया गया है बहुत आगे जो निकल है निकल गए हैं फिल्म का आखिरी शॉर्ट कहता है कभी कभी ये जो है कभी ख़त्म नहीं होता बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने एक समय पर जो है फिल्मों के बारे में महसूस किया था तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने जितना भी रिव्यू दिया है और पॉजिटिव रिव्यूज नहीं है क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज ही मिला हुआ है इस फिल्म को दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी के साथ दोस्तों एक और ख़बर छापा गया है आसिम अब्बासी अपनी मनोरंजन क्राइम थ्रिलर चुडैल्स के चार साल बाद जो है जी जिंदगी में वापस आए हैं उन्होंने फवाद खान और फिर जो है सनम जो है सईद को उनके लोकप्रियता रोमांटिक ड्रामा जिंदगी जो है गुलजार है कि 11 साल बाद फिर से जो है साथ लेकर कास्टिंग में एक बड़ा बदलाव किया है लेकिन इस लोग जो है फंडासी में उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा गया है जो कि आध्यात्मिक जो है यात्रा पर अप्रत्याशी साथी की भूमिका निभाते हैं लेकिन दोस्तों ये यात्रा अपनी ही जो है अतिश व्यक्ति से जो है इतनी जो है बधी हुई है कि ये समझना और थोड़ा सा सराहना और यहाँ पे करना कठिन हो जाता है इस फिल्म के अंदर कहानी लैंड ऑफ यहाँ पे नो वेयर में जो है सेट की गई है इस मूवीज की जो कि दोस्तों बता दें जो है संभवत और पाकिस्तान में एक घाटी है जहाँ पे जफ़र जो है यहाँ पे खान जफर खान जात उनके अलावा सलमान शाहिद एक अमीर परिवार का मुखिया बने हुए अपने जो है यहाँ पे अलग हुए जो है बेटों को अपनी जो है तीसरी शादी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं और वह उसके जो है पहली शादी से हुए जो है बच्चे हैं लेकिन दोस्तों यही एक मात्र कारण नहीं है कि वह जो है सहज है जफर अब अपने जो है यहाँ पे पहले प्यार जो है महताब से शादी करते हैं जिसकी जो है दस को पहले जो है मृत्यु हो गई थी लेकिन दोस्तों वह दृढ़ जो है निश्चय है क्योंकि पे अभी भी मौजूद है और दूसरी तरफ उनके छोटे बेटे जो है यहाँ पे अः और फवाद जैसे जो यहाँ पे पाकिस्तान जैसे जो यहाँ पे आज जो है इस घटनाओं को नकारते हैं जबकि दोस्तों उनके जो है देखभाल करने वाले जो यहाँ पे

तब तक लिटिल एंड सीओ सुन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूरोप चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूरोप चैनल ए एम पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की मच फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है में और दम था तो दोस्तों ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आप लोग को पता है ये मूवी दो अगस्त दो को रिलीज हुई है और इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है और ये फ़िल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एनालिसिस करेंगे बताएंगे फ़िल्म की कहानी कैसी है तो दोस्तों अगर आप लोग अजय देवगन के फ़ैन हो और औरों में कहाँ दम था इस फ़िल्म को देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए आइए दोस्तों अब हम से विस्तार में बात कर लेते हैं औरों में कहा था इस फिल्म के बारे में दोस्तों बता दें नीरज पांडे द्वारा लिखित और निर्देशित की गई साल दो जो जो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर कहानी है इस फिल्म में दोस्तों अजय देवन और तब्बू अपनी दसवीं फिल्म में एक साथ अभिनय करते हुए नजर आए हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं फिल्म कैसी है क्या इस को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज के बारे में तो दो अगस्त दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया है वहीं इस फिल्म की रॉन्ग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म 140 सौ मिनट की बनाई गई है फिल्म की बजट के बारे में हम बात करें तो सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ है फिल्म को बनाने में वहीं इस फिल्म की अभी तक की बॉक्स चौबीस के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने साढ़े नौ करोड़ तक कमाई किया है लेकिन दोस्तों अगर इस फिल्म को हिट होना है तो डेढ़ करोड़ से अधिक की कमाई करना होगा तो ही ये फिल्म हिट हो सकता है वहीं दोस्तों बात करें फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में अजय दुगंध तब्बू जिमी सिर्गिल उनके अलावा संतनु महेश और फिर शाही मजर कर फिल्म में अभिनय कात भी नजर आई है इसी के साथ दोस्तों पांडे और फिर देवगन के बीच परियोजना की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2023 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में ही पूरी हुई है इस फिल्म का स्कोर और फिल्म का साउंड एल्बम एमएम किरावाने द्वारा तैयार किया गया है वहीं दोस्तों औरों में कहा दम था शुरू में 5 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फिल्म प्रदर्शकों और फिल्म वितरकों के अनुरोध पर ही इसमें देरी हुई अंत तक इससे आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 2 अगस्त 2024 को नाटक रूप से रिलीज किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म बन गई इसने दुनिया भर में दोस्तों सिर्फ नौ करोड़ की ही कमाई किया है बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी एक ऐसे जोड़ी की है जिनकी प्रेम कहानी दो से दो तक तेईस साल तक फैली हुई है जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते की भावनात्मक गहराई और फिर विकसित होती हुई नज़र आती है इन गतिशीलताओं को दर्शाया गया है जो कि दोस्तों कृष्णा जो है कई हत्याओं में शामिल हो जाते हैं और उसे जो है आजीवन आज कारावास की सजा सुनाई जाती है इसके कारण जो है वसुधा उससे अलग हो जाती है और फिर जो है अभिजीत से शादी कर लेती है बाईस साल बाद जब वह कृष्णा को माफ़ी मिलने के बाद जेल से रिहा किया जाता है तो वह जो है अशुदा से मिलने के लिए तरसता है और ये जो है कृष्णा और फिर जो है वसुधा के बीच एक अंतिम मुलाकात में परी एक अंतिम मुलाकात में जो है परिणत होता है और दोस्तों बाकी कहानी कैसी है इसके बारे में हम थोड़ी देर में अब विस्तार में बात करेंगे वहीं दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात कर लें तो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी दो में शुरू हुई और पहला शेड्यूल मार्च दो में और अप्रैल दो में पूरा हुआ था वहीं इस फिल्म का उत्पादन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ और फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर मुंबई दिल्ली और लखनऊ में की गई है फिल्म के साउंड ऐड के बारे में हम बात करें तो फिल्म का साउंड ऐड और बैकग्राउंड स्कोर एमएम के एमएम क्रीम द्वारा तैयार किया गया है जबकि दोस्तों गीत मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए थे वहीं दोस्तों टू शीर्षक वाला पहला एकल अट्ठारह जून दो को रिलीज़ किया गया था और वहीं दोस्तों ए यानी कि दिल जरा शीर्षक वाला दूसरा एकल चौबीस जून दो को रिलीज किया गया था बॉक्स चौबिस के बारे में हम बात करें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे जो है निराशाजनक रहा है इस फिल्म की क्योंकि ओपनिंग डे 2 अगस्त को दोस्तों ये सिर्फ एक करोड़ पचासी लाख की ही कमाई किया था और पिछले तीन दिनों का कलेक्शन जो है क्रमश सिर्फ दो ही कर दो ही करोड़ बताया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक सिर्फ जो है नौ साढ़े नौ करोड़ तक की ही कमाई की है वहीं दोस्तों रिस्पॉन्स रेटिंग के बारे में हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धवल रोए ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहाँ दम था परिपक्व प्रेम कहानी का प्रयास है जो कि निष्पादन में लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और फिर पूर्वानुमय कथानक इसके प्रभाव में बाधा डालते हैं अगर आप दोस्तों जानबूझकर जो है की गई गति और भावनात्मक रूप से जो है यहाँ पे आवेश जो है कथाओं की सराहना करते हैं तो इसे देखें न्यू यहाँ पे 18 की तरफ से दोस्तों टेटस चौधरी ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दमता थोड़ा सा जो है जगह जगह हो सकता है और यहाँ तक कि दोस्तों उस जो है चमकदार जो है ड्राइव भी ड्राइव की भी कमी है लेकिन यहाँ पे चौकाने में लेकिन यहाँ पे दोस्तों चौकड़ी ने कंपनी चौकड़ी ने यहाँ पे कांपती हुई जो स्क्रिप्ट को पूरी तरह से जो है टूटने से बचा लिया है वही टाइम्स नाउ की तरफ से दोस्तों तमई सऊ तमई जो है सऊदी ने इस फिल्म को फाइव से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दम था रेडीप डॉट कॉम की तरफ से जो है दीपा गहलोत ने भी फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं इन्होंने लिखा है अपने शानदार शीर्षक से ही यहाँ पे औरों में कहा दम था एक महाकाव्य बनने का लक्ष्य रखा गया है लगातार यहाँ पे असफल होता रहा है जो कि बॉलीवुड हंगामा की के तरफ से एक आलोचक ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दी है और इन्होंने लिखा है कि औरों में कहा दम था एक धीमी और फिर एक उबाऊ जो फिल्म है जो कि दोस्तों कहानी में कमी और और एक यहां पे पूर्वानुमानित जो है चर्मोत्कर्ष के कारण यह फिल्म थोड़ा सा ग्रस्त होता है वहीं दोस्तों फर्स्ट पोस्ट के तरफ से इस फिल्म को लक्ष्मी देवरोए ने फाइव से टू स्टार दिया है और इन्होंने लिखा है ऐसा लग रहा था कि निराश पांडे रोमांटिक और सस्पेंस थ्रिलर बनाने में पूरी तरह से जो विफल रहे जिसे दोस्तों उन्होंने शायद जो है बनाने की कोशिश की थी लेकिन फिल्म में दर्शकों को बाध रखने या फिर जो स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए जोश की कमी थी कहानी में वह उत्साह नहीं है जो कि आज के दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि दोस्तों न केवल जो है भारतीय सिनेमा की बल्कि जो है विश्व सिनेमा से भी परिचित कराया गया है इसी साथ दोस्तों द दो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्र गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है अनुभवी योद्धा अजय देवगन और फिर जो है तब्बू को सितारों से जो है टकराते सितारों से टकराते रोमांस में जो है देखने का आनंद है। मिला है जो कि फिल्म के ख़राब जो है ट्रीटमेंट के कारण जो है कम हो गया है ताज़ा होने के बजाय ये पुरानी लगती है देखने में और एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों जो अपनी स्टार जोड़ी के लिए अनुपयुक्त है जो कि दोस्तों औरों में कहा दम था एक ऐसी फिल्म के लिए एक भादा शीर्षक रखा गया जिससे कुछ और नहीं होना चाहिए था वहीं दोस्तों इंडिया टूडे की तरफ से आरुषि जैन ने इस फिल्म को फाइव में से वन स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और इन्होंने लिखा है ये उबाऊ फिल्म है ये धीमी फिल्म है और यह रोमांटिक नहीं है ये मज़ेदार भी नहीं है और ये दुखद नहीं देता है क्योंकि एक सौ की एक निराश फिल्म जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है ये कमज़ोर होती जाती है जिससे जो है कुछ बहुत ही जो पूर्वानुमानित कथानक सामने आई है वहीं दोस्तों हालांकि शब्द का यहाँ पे और शब्दिक अर्थ यही कि दूसरों में हिम्मत कहाँ थी लेकिन ये जो है यहाँ पे वाक्यांश के यहाँ पे वास्तविक जो है अर्थ को नहीं दर्शाती है इसका उपयोग आम तौर पर दोस्तों तब किया जाता है जब कोई अपने ही जो है रिश्तेदारों से हार जाते हैं जैसे कि दोस्तों बता दें एक पिता अपने ही बेटे से एक पति अपनी पत्नी से और आदि इस जो है भावनाओं को इस हिंदी जो है दोहे में सबसे जो अच्छी तरह से जो है उजागर किया गया है और हमें तो अपनों ने लूटा आ, हमें तो अपनों ने लूटा गहरों में कहाँ दम था मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था मैं अपने ही रिश्तेदारों से हार गया दूसरे किसी दूसरे आ, दूसरे कभी जो है सपनों में भी नहीं सोच सोच सकते मैंने जो है गहरे पानी को जीत लिया लेकिन अफसोस जो है उथले पानी में मैं डूब गया और दोस्तों इस कहानी की आत्मा इस भावनाओं को दर्शाती है कि यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि फिल्म का नाम हिंदी में अनुवादित होने पर औरों में कहाँ दम था के रूप में जो है पढ़ा जाता है जो कि दोस्तों जो जो, जो कि दोस्तों यहाँ पे की मूल दो यहाँ पे दोहे और गैरों में कहाँ दम था एक बहुत ही मामूली संशोधन वाली फिल्म है जो कि दर्शक ने इस फिल्म को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया है दो के अंदर इसी के साथ दोस्तों समीक्षक ने बताया है नीरज पांडे के बारे में बताया औरों में कहा दम था आम रोमांटिक किरदार से हटकर थोड़ा सा अलग फिल्म है और प्यार नुकसान और फिर जो है लालसी की धीमी गति से थोड़ा सा जलने वाली खोज है कहानी जेल में शुरू होती है जो कि हमें एक दुर्जय जो है कृष्णा अजय देवगन से मिलवाया जाता है और फिर एक यहाँ पे कोमल प्रेम कहानी का खुलासा किया जाता है फ्लैशबैक हमें युवा और फिर जो है कृष्णा यानी कि शांतनु महेश्वरी के वसुधा साई मंजरेकर के साथ जो है रोमां और कैसे एक घटना उसे 25 साल के लिए जेल भेज देती है और तब तक जो है इस कहानी को थोड़ा सा कहानी अजय देवगन द्वारा कृष्ण की बारीक जो है भूमिका और फिर एक है जो अपराधी से एक कमजोर प्रेमी में उनके परिवर्तन पर आधारित है दिलचस्प बात यह है कि संतानु महेश्वरी का किरदार जो है पूरी तरह से अलग है एक आ, एक एक साधारण और फिर एक नेक आदमी से एक यहाँ पे समझदार जो है जेल से जो है यहाँ पे बचने वाले व्यक्ति तब तक जो है लेकिन अपने जो है वरिष्ठ अपने वरिष्ठ सह कलाकारों की तरह ही सहज दिखता है और तब उन्हें शांति तीव्रता के साथ जो अभिनय भी किया है जो अतीश से प्रीत एक महिला की जटिलताओं को पकड़ लेती है और अपने जो है वर्तमान के साथ जो है तालमेल बिठाती है दोनों की केमिस्ट्री यहाँ पे स्पष्ट नजर आती है जो कि फिल्म के भावनात्मक के केंद्र में गहराई जोड़ती है और जबकि दोस्तों यहाँ पे साई रेकर ने भी उतना ही अच्छा अभिनय किया है और वहीं दोस्तों जीमी गिल ने यहाँ पे वो सुधा के पति और फिर अभिजीत के रूप में एक छोटी लेकिन यहाँ पे प्रभावशाली भूमिका फिल्म में निभाई है दमदार अभिनय के अलावा एम एम क्रीम का भावपूर्ण बैकग्राउंड स्कोर अलग तत्व पर घूमता है जो कि फिल्म की मार फिल्म की यहाँ पे मार्मिकता में महत्वपूर्ण योग्यदान देता है वहीं दूसरी तरफ फिल्म की टोन में कुछ असंगतता है क्योंकि जिसमें जो है आपको नब्बे के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की याद आती है इसमें त्यौहार के गाने और फिर जो है एथलेटिक जो है कृष्णा का फिल्म के अंदर जो है मानसर जो है गुंडों से मुलाकात किया जाता है बारिश में एक्शन सीक्वेंस आदि शामिल है लेकिन दोस्तों यहाँ पे कथी कुलोद और फिर यहाँ पे परवीन का संपादन जो है यहाँ पे पहले हाफ में कई जगहों पर यहाँ पे झटक ज़ड़क, झटकेदार है क्योंकि मुख्य मोर और फिर जो है अपराध का

लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और फिर पूर्वानुमानित कथानक इसके प्रभाव को थोड़ा सा बाधित करता है तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने कुछ खास रिव्यू नहीं दिया है इस फिल्म को अगर आप लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग अजय देवगन के फैन हो तो इस फिल्म को आप लोग देख सकते हो वरना इस फिल्म को आप लोग स्किप भी कर सकते हो वैसे भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक साबित हुई है औरों में कहा दम था दो में आई अंग्रेज़ी जो है कुरियाईट ड्रामा पास्ट लाइव से कुछ हद तक जो है मिलता जुलता है इसमें 24 साल की अवधि में दो किरदारों के जीवन को दिखाया गया है जब वो अलग अलग रास्ते पर चलते हैं और कई जो है सालों बाद जो अलग अलग जो है परिस्थितियों में फिर से जो है मिलते हैं लेकिन उनमें से एक को एहसास होता है कि उन्होंने कभी दूसरे व्यक्ति से प्यार करना बंद नहीं किया और ये सीधे मुद्दे पर था और फिर जो भावनाएं कच्ची थी और दुख की बात यह है कि यहाँ पे आ, सबसे पहले जो है मिनिम सबसे पहले जो है मिनिम लिप्स और फिर जो है बॉलीवुड की कहानी कहने की शैली के अनुकूल नहीं है दोस्तों इस हिंदी नाटक की शुरुआत जो है अपराधी जो है कृष्णा अजय देवगन द्वारा अभिनीत से होती है शुरू जो कि जेल से जो है बाहर नहीं निकलना चाहता और वह पिछले जो है तेईस सालों से दोहरे जो है हत्याकांड की सजा काट रहा है और उसने जो है जो किया हुआ मूल रूप से औरों में औरों में की कहानी है जो कि वास्तव में जो है बहुत ही कमजोर हमें देखने में लगती है अब यहाँ पे संतानु महेश्वरी ने 2001 में अजय देवगन के बचपन का किरदार निभाया है जो कि दोस्तों वसुधा एक चुलबुली साइमन मंजरेकर से प्यार करता है लेकिन उनकी लेकिन उनकी केमिस्ट्री जो है विश्वसनीय है और फिर यह एक महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके बड़े रूपों को अजय और फिर जो है तब्बू ने निभाया है जो कि दोस्तों एक साथ अपने जो, जो है यहाँ पे हजार जो है फिल्म हजार फिल्म कर रहे हैं लेकिन दोस्तों एक रात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है दोस्तों वसुधा कृष्ण का इंतजार क्यों नहीं किया जाता है और वह जेल से क्यों नहीं कर दी और वह जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहता आखिरकार उन्हें कौन मिलवाता है यह भी देखना पड़ेगा इस फिल्म में और उन दम था एक ही समय में प, एक ही समय में पारंपरिक और फिर जो है अपरम्परगर्ता दोनों है मैं अलग अलग जो है आयु और फिर जो है समूहों के बारे में प्रेम कहानियाँ बनाने के पक्ष में हो क्योंकि यहाँ हम जो है देखते हैं कि युवा प्रेम कितना जो है उतावला होता हुआ नजर आता है साथ ही दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है प्रेम कितना जो है व्यवहारिक होता है ये भी हमें फ़िल्म में देखने को मिल जाती है इस फिल्म की पहला भाग दोस्तों बेहद धीमा है कहानी में कई जो है फ्लैशबैक मौजूद है और हम गति के साथ जो है बने रहने की कोशिश करते हैं कहानी दिलचस्प होनी चाहिए लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा खींची हुई है पहला घंटा एक डेली शॉप के तीन घंटे लंबे और महा जो है एपिसोड जैसा इस फिल्म में हमें लगता है वहीं दोस्तों आगे आखिरकार हमें बताया जाता है कि सालों पहले उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को क्या हुआ था इसलिए हमें जो है सांस लेने के लिए अंतराल मिल जाता है लेकिन आप आगे आने वाली जो है चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं बिना कुछ बताए ये अनिस जो है बजमी की 2007 की मज़ेदार फिल्म जो है यहाँ पे वेलकम के दूसरे भाग में जो हुआ था उसका जो है नाटकीय संस्करण है बस हमें जो है अलग अलग जो है दृष्टिकोण से तीन बार जो है तीन बार जो है घटनाओं का एक ही जो है क्रम दिखाया जाता है और क्या हमने जो है पहले ही जो है डेली डेली शॉप के जो है समानता डेली शॉप की समानतरों का उल्लेख किया है जो चीज़ हमें जो है बचाती है वो ये है कि कुछ यहाँ पे चतुराई से लिखे गए वन लाइनर और फिर यहाँ पे चुटेले जो है संदर्भ एक समय ऐसा आया जब अजय के दोस्तों ने अपनी जो है कार में जो है रेडियो लगाया और उसमें उनकी ही जो है फिल्म दिलवाले का गाना जीता था जिसके लिए बजा रहे थे तो दोस्तों थिएटर में जो है तालियां बजने लगी और जब जो है फिल्म यहाँ पे हल्की होती है तो वह जो है चमकती हुई नज़र आती है और ऐसे दिल जरा कि यहाँ पे ऐसे दिल जरा कि यहाँ पे जैसे कुछ जो अनुशक्त गाने आपको थोड़ा सा थका देंगे इस फिल्म के अंदर अजय देवगन को यहाँ कोई भारी जो है काम नहीं करना पड़ता है उन्हें बस शांत और शांत रहना है तब उन्हें अच्छा काम किया है लेकिन दोस्तों फिर से जो है उनके जैसे अनुभवी अभिनेताओं के लिए ये आसान काम नहीं है जिमी शेरगिल को जिमी शेरगिल जो कि अब अपनी जो है फिल्मों में कभी जो है लड़की अपनी कभी फिल्मों में कभी लड़की नहीं पाने के लिए जो है यहाँ पे स्टूडियो टाइप हो गए हैं एक बार फिर से जो है कमतर साबित हुए हैं हालांकि थोड़े अलग तरीके से इसमें दिखाए गए हैं लेकिन दोस्तों आगे इस फिल्म के अंदर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शांतनु एक भरोसेमंद अभिनेता है जो कि स्क्रीन पर एक खास आकर्षण लेकर आते हैं दबंग में खराब शुरुआत के बाद साई को एक दमदार भूमिका मिली है इसे वह बाखूबी निभा सकती है और वह इसका भरपूर जो फ़ायदा उठा सकती है दोस्तों ऑस्कर विजेता एम एम द्वारा जो है फ़िल्म का संगीत कुछ खास नहीं इसमें दिखाया गया है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे काट छाट करके जो इसे अच्छी तरह अच्छे जो है फिल्म बनाया जा सकता था लेकिन अफसोस की बात यह है कि द्रेज पांडे जिन्हें जो है लेखक का श्रेय भी दिया गया है बहुत आगे जो निकल है निकल गए हैं फिल्म का आखिरी शॉर्ट कहता है कभी कभी ये जो है कभी ख़त्म नहीं होता बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने एक समय पर जो है फिल्मों के फार में महसूस किया था तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने जितना भी रिव्यू दिया है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं है क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज ही मिला हुआ है इस फिल्म को दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसी के साथ दोस्तों एक और खबर छापा गया है आसिम अब्बासी अपनी मनोरंजन क्राइम थ्रिलर चुडैल्स के चार साल बाद जो है जी जिंदगी में वापस आए हैं उन्होंने फवाद खान और फिर जो है सनम जो है सईद को उनके लोकप्रियता रोमांटिक ड्रामा जिंदगी जो है गुलजार है कि 11 साल बाद फिर से जो है साथ है लेकर कास्टिंग में एक बड़ा बदलाव किया है लेकिन इस लोग जो है फंडासी में उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा गया है जो कि आध्यात्मिक जो है यात्रा पर अप्रत्याशी साथी की भूमिका निभाते हैं लेकिन दोस्तों ये यात्रा अपनी ही जो है अतिशयोक्ति से जो है इतनी जो है बधी हुई है कि ये समझना और थोड़ा सा सराहना और यहाँ पे करना कठिन हो जाता है इस फिल्म के अंदर कहानी लैंड ऑफ यहाँ पे नो वेयर में जो है सेट की गई है इस मूवीज़ की जो कि दोस्तों बता दें जो है संभवत और पाकिस्तान में एक घाटी है जहाँ पे जफर जो है यहाँ पे खान जफर खान जात उनके अलावा सलमान शाहिद एक अमीर परिवार का मुखिया बने हुए अपने जो है यहाँ पे अलग हुए जो है बेटों को अपनी जो है तीसरी शादी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं और वह उसके जो है पहली शादी से हुए जो है बच्चे हैं लेकिन दोस्तों यही एक मात्रा कारण नहीं है कि वह जो है सहज है जफर अब अपने जो है यहाँ पे पहले प्यार जो है महताब से शादी करते हैं जिसकी जो है दस को पहले जो है मृत्यु हो गई थी लेकिन दोस्तों वह दृढ़ जो है निश्चय है क्योंकि पे अभी भी मौजूद है और दूसरी तरफ उनके छोटे बेटे जो है यहाँ पे शहरियान और फवाद जैसे जो यहाँ पे पाकि जैसे जो यहाँ पे जो है इस घटनाओं को नकारते हैं जबकि दोस्तों उनके जो है देखभाल करने वाले जो यहाँ पे यहाँ पे शहर यहाँ पे शहर जादे और फिर जो है सनम हमें जो अज्ञात विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है ये मूवी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है अजय देवगन की मच फेवरेट फिल्म जिसका नाम है औरों में कहा दम था इस मूवीज़ की बजट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट साथ ही साथ दोस्तों फिल्म ने कितनी कमाई की है इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हमने आपको विस्तार में बता दिया है तो उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेन आपको जरूर पसंद आया होगा तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी सुन चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूरोप चैनल É que é o efeito para... दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की मच फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है औरों में दम था तो दोस्तों ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आप लोग को पता है ये मूवी दो अगस्त दो को रिलीज हुई है और इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है और यह फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एनालिसिस करेंगे बताएंगे फ़िल्म की कहानी कैसी है तो दोस्तों अगर आप लोग अजय देवगन के फ़ैन हो और औरों में कहाँ दम था इस फ़िल्म को देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए आइए दोस्तों अब हम से विस्तार में बात कर लेते हैं कहा दम था इस फिल्म के बारे में दोस्तों बता दें नीरज पांडे द्वारा लिखित और निर्देशित की गई साल दो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर कहानी है इस फिल्म में दोस्तों अजय देवगन और तब्बू अपनी दसवीं फिल्म में एक साथ अभिनय करते हुए नजर आए हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं फिल्म कैसी है क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज के बारे में तो दो अगस्त दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया है वहीं इस फिल्म की राउंड टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म 140 सौ मिनट की बनाई गई है फिल्म की बजट के बारे में हम बात करें तो सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ है फिल्म को बनाने में वहीं इस फिल्म की अभी तक की बॉक्स चौबीस के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने साढ़े नौ करोड़ तक कमाई किया है लेकिन दोस्तों अगर इस फिल्म को हिट होना है तो डेढ़ करोड़ से अधिक की कमाई करना होगा तो ही ये फिल्म हिट हो सकता है वहीं दोस्तों बात करें फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में अजय दुगन तब्बू जिमी सिर्गिल उनके अलावा संतनु महेश और फिर मजरे कर फिल्म में करते हुई नजर आई है साथ दोस्तों, पांडे और फिर देवगन के बीच परियोजना की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2023 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में ही पूरी हुई है इस फिल्म का स्कोर और फिल्म का साउंड एल्बम एम एम किरा द्वारा तैयार किया गया है वहीं दोस्तों और में कहा दम था शुरू में 5 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फिल्म प्रदर्शकों और फिल्म वितरकों के अनुरोध पर ही इसमें देरी हुई अंत तक इससे आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 2 अगस्त 2024 को नाट्य रूप से रिलीज किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म बन गई जिसने दुनिया भर में दोस्तों सिर्फ नौ करोड़ की ही कमाई किया है बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी एक ऐसे जोड़ी की है जिनकी प्रेम कहानी दो से दो तक तेईस साल तक फैली हुई है जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते, जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते की भावनात्मक गहराई और फिर विकसित होती हुई नजर आती है इन गतिशीलताओं को दर्शाया गया है जो कि दोस्तों कृष्णा जो है कई हत्याओं में शामिल हो जाते हैं और उसे जो है आजीवन आज कारावास की सजा सुनाई जाती है इसके कारण जो है वसुधा उससे अलग हो जाती है और फिर जो है अभिजीत से शादी कर लेती है बाईस साल बाद जब वह कृष्णा को माफ़ी मिलने के बाद जेल से रिहा किया जाता है तो वह जो है वसुधा से मिलने के लिए तरसता है और ये जो है कृष्णा और फिर जो है वसुधा के बीच एक अंतिम मुलाकात में परी एक अंतिम मुलाकात में जो है परिणत होता है है और दोस्तों बाकी कहानी कैसी है इसके बारे में हम थोड़ी देर में विस्तार में बात करेंगे वहीं दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी दो में शुरू हुई और पहला शेड्यूल मार्च दो में और अप्रैल दो में पूरा हुआ था वहीं इस फिल्म का उत्पादन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ और फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर मुंबई दिल्ली और लखनऊ में की गई है फिल्म के साउंड के बारे में हम बात करें तो फिल्म का साउंड और बैकग्राउंड स्कोर एम एम के एम एम क्रीम द्वारा तैयार किया गया है जबकि दोस्तों गीत मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए थे वहीं दोस्तों टू शीर्षक वाला पहला एकल 18 जून 2024 को रिलीज किया गया था और वहीं दोस्तों ए यानी कि दिल जरा शीर्षक वाला दूसरा एकल 24 जून 2024 को रिलीज किया गया था बॉक्स चौबिस के बारे में हम बात करें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे जो है निराशाजनक रहा है इस फिल्म की क्योंकि ओपनिंग डे 2 अगस्त को दोस्तों ये सिर्फ एक करोड़ पचासी लाख की ही कमाई किया था और पिछले तीन दिनों का कलेक्शन जो है क्रमश सिर्फ दो ही करोड़ दो ही करोड़ बताया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक सिर्फ जो है नौ साढ़े नौ करोड़ तक की ही कमाई की है वहीं दोस्तों रिस्पॉन्स रेटिंग के बारे में हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धवल रोए ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहाँ दम था एक परिपक्व प्रेम कहानी का प्रयास है जो कि निष्पादन में लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और फिर पूर्वानुमय कथानक इसके प्रभाव में बाधा डालते हैं अगर आप दोस्तों जानबूझकर जो है की गई गति और भावनात्मक रूप से जो है यहाँ पे आवेश जो है कथाओं की सराहना करते हैं तो इसे देखें न्यू यहाँ पे 18 की तरफ से दोस्तों टेटस चौधरी ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दमता थोड़ा सा जो है जगह जगह हो सकता है और यहाँ तक कि दोस्तों उस जो है चमकदार जो है ड्राइव भी ड्राइव की भी कमी है लेकिन यहाँ पे चौकाने में लेकिन यहाँ पे दोस्तों चौकड़ी ने कंपनी चौकड़ी ने यहाँ पे काँपती हुई जो स्क्रिप्ट को पूरी तरह से जो है टूटने से बचा लिया है वही टाइम्स नाउ की तरफ से दोस्तों तमई सऊ तमई जो है सऊदी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहाँ दम था रेडीप डॉट कॉम की तरफ से जो है दीपा गहलोत ने भी फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए है इन्होंने लिखा है अपने शानदार शीर्षक से ही यहाँ पे औरों में कहाँ दम था एक महाकाव्य बनने का लक्ष्य रखा गया है लगातार यहाँ पे असफल होता रहा है जो कि बॉलीवुड हंगामा की तरफ से एक आलोचक ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दी है और इन्होंने लिखा है कि औरों में कहाँ दम था एक धीमी और फिर एक उबाऊ जो फिल्म है जो कि दोस्तों कहानी में कमी और

जो कि आज के दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि दोस्तों न केवल जो है भारतीय सिनेमा की बल्कि जो है विश्व सिनेमा से भी परिचित कराया गया है इसी के साथ दोस्तों द दो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है अनुभवी योद्धा अजय देवगन और फिर जो है तब्बू को सितारों से जो है टकराते सितारों से टकराते रोमांस में जो है देखने का आनंद मिला है जो कि फिल्म के खराब जो है ट्रीटमेंट के कारण जो है कम हो गया है ताजा होने के बजाय ये पुरानी लगती है देखने में और एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों जो अपनी स्टार जोड़ी के लिए अनुपयुक्त है जो कि दोस्तों औरों में कहा दम था एक ऐसी फिल्म के लिए एक भद्दा शीर्षक रखा गया जिससे कुछ और नहीं होना चाहिए था वहीं दोस्तों इंडिया टुडे की तरफ से आरुसी जैन ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और इन्होंने लिखा है ये उबाऊ फिल्म है ये धीमी फ़िल्म है और यह रोमांटिक नहीं है ये मज़ेदार भी नहीं है और ये दुखद नहीं देता है क्योंकि 144 सौ की एक निराश फिल्म जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है ये कमज़ोर होती जाती है जिससे जो है कुछ बहुत ही जो पूर्वानुमानित कथानक सामने आई है वहीं दोस्तों हालांकि शब्द का यहाँ पे और शब्दिक अर्थ यह है कि दूसरों में हिम्मत कहाँ थी लेकिन ये जो है यहाँ पे वाक्यांश के यहाँ पे वास्तविक जो है अर्थ को नहीं दर्शाती है इसका उपयोग आम तौर पर दोस्तों तब किया जाता है जब कोई अपने ही जो है रिश्तेदारों से हार जाते हैं जैसे कि दोस्तों बता दें एक पिता अपने ही बेटे से एक पति अपनी पत्नी से और आदि इस जो है भावनाओं को इस हिंदी जो है दोहे में सबसे जो अच्छी तरह से जो है उजागर किया गया है और हमें तो अपनों ने लूटा आ, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था मैं अपने ही रिश्तेदारों से हार गया दूसरे किसी दूसरे आ, दूसरे कभी जो है सपनों में भी नहीं सोच सोच सकते मैंने जो है गहरे पानी को जीत लिया लेकिन अफसोस जो है उथले पानी में मैं डूब गया और दोस्तों इस कहानी की आत्मा इस भावनाओं को दर्शाती है कि यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि फ़िल्म का नाम हिंदी में अनुवादित होने पर औरों में कहाँ दम था के रूप में जो है पढ़ा जाता है जो कि दोस्तों जो जो, जो कि दोस्तों यहाँ पे की मूल दो यहाँ पे दोहे और गैरों में कहाँ दम था एक बहुत ही मामूली संशोधन वाली फिल्म है जो कि दर्शक ने इस फिल्म को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया है दो के अंदर इसी के साथ दोस्तों समीक्षक ने बताया है नीरज पांडे के बारे में बताया औरों में कहा किरदार से हटकर थोड़ा सा अलग फिल्म और प्यार नुकसान और फिर जो है लालसी की धीमी गति से थोड़ा सा जलने वाली खोज है कहानी जेल में शुरू होती है जो कि हमें एक दुर्जय जो है कृष्णा अजय देवगन से मिलवाया जाता है और फिर एक यहाँ पे कोमल प्रेम कहानी का खुलासा किया जाता है फ्लैश हमें युवा और फिर जो है कृष्णा यानी कि शांतनु महेश्वरी के वसुधा साई मंजरेकर के साथ जो है रोमांस और कैसे एक घटना उसे 25 साल के लिए जेल भेज देती है और तब तक जो है इस कहानी को थोड़ा सा रोक दिया जाता है और अच्छे जो है व्यवहार के कारण जो है पहले रिहा होने पर कृष्णा अब शादीशुदा वसुधा तब्बू से तब्बू के साथ फिर से मिलने की कोशिश करने लग जाता है कहानी अजय देवगन द्वारा कृष्ण की बारीक जो है भूमिका और फिर एक दूर जो अपराधी से एक कमजोर प्रेमी में उनके परिवर्तन पर आधारित है दिलचस्प बात यह है कि संतानों महेश्वरी का किरदार जो है पूरी तरह से अलग है एक एक साधारण और फिर एक नेक आदमी से एक यहाँ पे समझदार जो है जेल से जो है यहाँ पे बचने वाले व्यक्ति तब तक जो है लेकिन अपने जो है वरिष्ठ अपने वरिष्ठ सह कलाकारों की तरह ही सहज दिखता है और तब उन्हें शांति तीव्रता के साथ जो अभिनय किया है जो अतीश से प्रीत एक महिला की जटिलताओं को पकड़ लेती है और अपने जो है वर्तमान के साथ जो है तालमेल बिठाती है दोनों की केमिस्ट्री यहाँ पे स्पष्ट नजर आती है जो कि फिल्म के भावनात्मक के केंद्र में गहराई जोड़ती है और जबकि दोस्तों यहाँ पे साई मंजरेकर ने भी उतना ही अच्छा अभिनय किया है और वहीं दोस्तों जीमी गिल ने यहाँ पे सुधा के पति और फिर अभिजीत के रूप में एक छोटी लेकिन यहाँ पे प्रभावशाली भूमिका फिल्म में निभाई है दमदार अभिनय के अलावा एम एम क्रीम का भावपूर्ण बैकग्राउंड स्कोर अलग तत्व पर घूमता है जो कि फिल्म की मार फिल्म की यहाँ पे मार्मिकता में महत्वपूर्ण योग्य देता है वहीं दूसरी तरफ फिल्म की टोन में कुछ असंगतता है क्योंकि जिसमें जो है आपको नब्बे के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की याद आती है इसमें त्यौहार के गाने और फिर जो है एथलेटिक जो है कृष्णा का फिल्म के अंदर जो है मानसर जो है गुंडों से मुलाकात किया जाता है बारिश में एक्शन सीक्वेंस आदि शामिल है लेकिन दोस्तों यहाँ पे कथित कुलोद और फिर यहाँ पे परवीन का संपादन जो है यहाँ पे पहले हाथ में कई जगहों पर यहाँ पे झटक ज़ड़क, झटकेदार है क्योंकि मुख्य मोर और फिर जो है अपराध का रहस्यो पूर्व अनुमानित है और इसमें दोस्तों कुछ भी नया नहीं है हालांकि आपको बता दें जानबूझकर जो है सुस्त कथानक अंतराल तक जो स्थिर लगता है दूसरे हाफ में गति पकड़ लेता है फिल्म फिल्म जो जो कि अंतराल के बाद जो है फिल्म के बाद कृष्णा सबसे अच्छे दोस्त यहाँ पे और जिग्नेश जय ओ ओप के बदौलत जो है कुछ यहाँ पे हंसी दिलचस्पी दिखाती है ये मूवी इसके अलावा दोस्तों औरों में कहा दम था एक परिपक्वता प्रेम कहानी का प्रयास है जो कि निष्पादन में लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और फिर जो है पूर्वानुमानित कथानक इसके प्रभाव को थोड़ा सा बाधित करता है तो दोस्तों रिव्युअर्स ने कुछ खास रिव्यू नहीं दिया है इस फिल्म को अगर आप लोग इस मूवीज को देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोग अजय देवगन के फैन हो तो इस फिल्म को आप लोग देख सकते हो वरना इस फिल्म को आप लोग स्किप भी कर सकते हो वैसे भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट काफी ज्यादा निराशाजनक साबित हुई है औरों में कहा दम था 2023 में आई अंग्रेज़ी जो है कुरियाई ड्रामा पास्ट लाइव से कुछ हद तक जो है मिलता जुलता है इसमें 24 साल की अवधि में दो किरदारों के जीवन को दिखाया गया है जब वो अलग अलग रास्ते पर चलते हैं और कई जो है सालों बाद जो अलग अलग जो है परिस्थितियों में फिर से जो है मिलते हैं लेकिन उनमें से एक को एहसास होता है कि उन्होंने कभी दूसरे व्यक्ति से प्यार करना बंद नहीं किया और ये सीधे मुद्दे पर था और फिर जो भावनाएं कच्ची थी और दुख की बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है मिनिम सबसे पहले जो है मिनिम लिप्स और फिर जो है बॉलीवुड की कहानी कहने की शैली के अनुकूल नहीं है दोस्तों इस हिंदी नाटक की शुरुआत जो है अपराधी जो कृष्ण अजय देवगन द्वारा अभिनीत से होती है शुरू जो कि जेल से जो है बाहर नहीं निकलना चाहता और वह पिछले जो है तेईस सालों से दोहरे जो है हत्याकांड की सजा काट रहा है और उसने जो है जो, है जो किया हुआ मूल रूप से औरों में औरों में की कहानी है जो कि वास्तव में जो है बहुत ही कमजोर हमें देखने में लगती है अब यहाँ पे संतानु महेश्वरी ने 2001 में अजय देवगन के बचपन का किरदार निभाया है जो कि दोस्तों वसुधा एक चुलबुली साइमन रेकर से प्यार करता है लेकिन उनकी लेकिन उनकी केमिस्ट्री जो है विश्वसनीय है और फिर यह एक महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके बड़े रूपों को अजय और फिर जो है तब्बू ने निभाया है जो कि दोस्तों एक साथ अपने जो है यहाँ पे हजारवी जो है फिल्म हजारवी फिल्म कर रहे हैं लेकिन दोस्तों एक रात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है दोस्तों वसुधा कृष्ण का इंतज़ार क्यों नहीं किया जाता है और वह जेल से क्यों नहीं कर दी और वह जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहता आखिरकार उन्हें कौन मिलवाता है यह भी देखना पड़ेगा इस फिल्म में और उन दम था एक ही समय में पर, एक ही समय में पारंपरिक और फिर जो है अपरम्परगर्ता दोनों है मैं अलग अलग जो है आयु और फिर जो है समूहों के बारे में प्रेम कहानियां बनाने के पक्ष में हो क्योंकि यहाँ हम जो है देखते हैं कि युवा प्रेम कितना जो है उतावला होता हुआ नजर आता है साथ ही दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है प्रेम कितना जो है व्यवहारिक होता है ये भी हमें फिल्म में देखने को मिल जाती है इस फिल्म की पहला भाग दोस्तों बेहद धीमा है कहानी में कई जो है फ्लैशबैक मौजूद है और हम गति के साथ जो है बने रहने की कोशिश करते हैं कहानी दिलचस्प होनी चाहिए लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा खींची हुई है पहला घंटा एक डेली शॉप के तीन घंटे लंबे और महा जो है एपिसोड जैसा इस फिल्म में हमें लगता है वहीं दोस्तों आगे आखिरकार हमें बताया जाता है कि सालों पहले उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को क्या हुआ था इसलिए हमें जो है सांस लेने के लिए अंतराल मिल जाता है लेकिन आप आगे आने वाली जो है चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं बिना कुछ बताए ये अनिश जो है बजमी की 2007 की मज़ेदार फिल्म जो है यहाँ पे वेलकम के दूसरे भाग में जो हुआ था उसका जो है नाटकीय संस्करण है बस हमें जो है अलग अलग जो है दृष्टि कौन से तीन बार जो है तीन बार जो है घटनाओं का एक ही जो है क्रम दिखाया जाता है और क्या हमने जो है पहले ही जो है डेली डेली शॉप के जो है समानता डेली शॉप की समानतरों का उल्लेख किया है जो चीज़ हमें जो है बचाती है वो ये है कि कुछ यहाँ पे चतुराई से लिखे गए वन लाइनर और फिर यहाँ पे चुटेले जो है संदर्भ है एक समय ऐसा आया जब अजय के दोस्तों ने अपनी जो है कार में जो है रेडियो लगाया और उसमें उनकी ही जो है फिल्म दिलवाले का गाना जीता था जिसके लिए बजा रहे थे तो दोस्तों थिएटर में जो है तालियां बजने लगी और जब जो है फिल्म यहाँ यहाँ पे हल्की होती है तो वह जो है चमकती हुई नज़र आती है और ऐसे दिल जरा कि यहाँ पे ऐसे जरा कि यहाँ पे जैसे कुछ अनुशक्त गाने आपको थोड़ा सा थका देंगे इस फिल्म के अंदर अजय देवगन को यहाँ कोई भारी जो है काम नहीं करना पड़ता है उन्हें बस शांत और शांत रहना है तब उन्हें अच्छा काम किया है लेकिन दोस्तों फिर से जो है उनके जैसे अनुभवी अभिनेताओं के लिए ये आसान काम नहीं है जिमी शेरगिल को जिमी शेरगिल जो कि अब अपनी जो है फिल्मों में कभी जो है लड़की अपनी कभी फिल्मों में कभी लड़की नहीं पाने के लिए जो है यहाँ पे स्टूडियो टाइप हो गए हैं एक बार फिर से जो है कमतर साबित हुए हैं हालांकि थोड़े अलग तरीके से इसमें दिखाए गए हैं लेकिन दोस्तों आगे इस फिल्म के अंदर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शांतनु एक भरोसेमंद अभिनेता है जो कि स्क्रीन पर एक खास आकर्षण लेकर आते हैं दबंग में खराब शुरुआत के बाद साई को एक, एक दमदार भूमिका मिली है इससे वह बाखूबी निभा सकती है और वह इसका भरपूर जो फ़ायदा उठा सकती है दोस्तों ऑस्कर विजेता एमएम एम केरोवानी द्वारा जो है फिल्म का संगीत कुछ खास नहीं इसमें दिखाया गया है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे काट छाट करके जो इसे अच्छी तरह अच्छी जो है फिल्म बनाया जा सकता था लेकिन अफसोस की बात यह है कि द्रेज पांडे जिन्हें जो है लेखक का श्रेय भी दिया गया है बहुत आगे जो निकल है निकल गए हैं फिल्म का आखिरी शॉर्ट कहता है कभी कभी ये जो है कभी ख़त्म नहीं होता बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने एक समय पर जो है फिल्मों के बारे में महसूस किया था तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने जितना भी रिव्यू दिया है

बड़ा बदलाव किया है लेकिन इस लोग जो है फंडासी में उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा गया है जो कि आध्यात्मिक जो है यात्रा पर अप्रत्याशी साथी की भूमिका निभाते हैं लेकिन दोस्तों ये यात्रा अपनी ही जो है अतिश व्यक्ति से जो है इतनी जो है बधी हुई है कि ये समझना और थोड़ा सा सराहना और यहाँ पे करना कठिन हो जाता है इस फिल्म के अंदर कहानी लैंड ऑफ यहाँ पे नो वेयर में जो है सेट की गई है इस मूवीज़ की जो कि दोस्तों बता दें जो है संभवत और पाकिस्तान में एक घाटी है जहाँ पे जफर जो है यहाँ पे खान जफर खान जात उनके अलावा सलमान शाहिद एक अमीर परिवार का मुखिया बने हुए अपने जो है यहाँ पे अलग हुए जो है बेटों को अपनी जो है तीसरी शादी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं और वह उसके जो है पहली शादी से हुए जो है बच्चे हैं लेकिन दोस्तों यही एक मात्र कारण नहीं है कि वह जो है सहज है जफर अब अपने जो है यहाँ पे पहले प्यार जो है महताब से शादी करते हैं जिसकी जो है दस को पहले जो है मृत्यु हो गई थी लेकिन दोस्तों वह दृढ़ जो है निश्चय है क्योंकि पे अभी भी मौजूद है और दूसरी तरफ उनके छोटे बेटे जो यहां पे शहरियान और फवाद जैसे जो है पे पाकि जैसे जो है पे आज तीख जो है इस घटनाओं को नकारते हैं जबकि दोस्तों उनके जो है देखभाल करने वाले जो यहाँ पे यहाँ पे शहर यहाँ पे शहर जादे और फिर जो है सनम हमें जो अज्ञात विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है ये मूवी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है अजय देवगन की मस्ट फेवरेट फिल्म जिसका नाम है और में कहा दम था इस मूवीज की बजट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट साथ ही साथ दोस्तों फिल्म ने कितनी कमाई की है इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने आपको विस्तार में बता दिया है तो उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आया होगा तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय यूरोप चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूरोप चैनल ए के पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की मच फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है में और दम था तो दोस्तों ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आप लोग को पता है ये मूवी दो अगस्त दो को रिलीज हुई है और इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई किया है और ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एनालिसिस करेंगे बताएंगे फ़िल्म की कहानी कैसी है तो दोस्तों अगर आप लोग अजय देवगन के फ़ैन हो और औरों में कहाँ दम था इस फ़िल्म को देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए आइए दोस्तों अब हम से विस्तार में बात कर लेते हैं औरों में कहा दम था इस फिल्म के बारे में दोस्तों बता दें नीरज पांडे द्वारा लिखित और निर्देशित की गई साल दो जो जो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर कहानी है इस फिल्म में दोस्तों अजय देवन और तब्बू अपनी दसवीं फिल्म में एक साथ अभिनय करते हुए नजर आए हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं फिल्म कैसी है क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज के बारे में तो दो अगस्त दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया है वहीं इस फिल्म की रॉन्ग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म 140 सौ चालीस की बनाई गई है फिल्म की बजट के बारे में हम बात करें तो सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ है फिल्म को बनाने में वहीं इस फिल्म की अभी तक की बॉक्स चौबीस के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने साढ़े नौ करोड़ तक कमाई किया है लेकिन दोस्तों अगर इस फिल्म को हिट होना है तो डेढ़ करोड़ से अधिक की कमाई करना होगा तो ही ये फिल्म हिट हो सकता है वहीं दोस्तों बात करें फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में अजय दुगंध तब्बू जिमी सुर्गिल उनके अलावा संतनू महेश इसी साथ दोस्तों पांडे और फिर देवगन के बीच परियोजना की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2023 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में ही पूरी हुई है इस फिल्म का स्कोर और फिल्म का साउंड एल्बम एम एम किरावानी द्वारा तैयार किया गया है वहीं दोस्तों औरों में कहा दम था शुरू में 5 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फिल्म प्रदर्शकों और फिल्म वितरकों के अनुरोध पर ही इसमें देरी हुई अंत तक इससे आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 2 अगस्त 2024 को नाटक रूप से रिलीज किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म बन गई इसने दुनिया भर में दोस्तों सिर्फ नौ करोड़ की ही कमाई किया है बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी एक ऐसे जोड़ी की है जिनकी प्रेम कहानी दो से दो तक तेईस साल तक फैली हुई है जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते जो कि दो दशकों में उनके रिश्ते की भावनात्मक गहराई और फिर विकसित होती हुई नजर आती है इन गतिशीलताओं को दर्शाया गया है जो कि दोस्तों कृष्णा जो है कई हत्याओं में शामिल हो जाते हैं और उसे जो है आजीवन आज कारावास की सजा सुनाई जाती है इसके कारण जो है वसुधा उससे अलग हो जाती है और फिर जो है अभिजीत से शादी कर लेती है बाईस साल बाद जब वह कृष्णा को माफ़ी मिलने के बाद जेल से रिहा किया जाता है तो वह जो है अशुदा से मिलने के लिए तरसता है और ये जो है कृष्णा और फिर जो है वसुधा के बीच एक अंतिम मुलाकात में परी एक अंतिम मुलाकात में जो है परिणत होता है और दोस्तों बाकी कहानी कैसी है इसके बारे में हम थोड़ी देर में अब विस्तार में बात करेंगे वहीं दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात कर लें तो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी दो में शुरू हुई और पहला शेड्यूल मार्च दो में और अप्रैल दो में पूरा हुआ था वहीं इस फिल्म का उत्पादन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ और फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर मुंबई दिल्ली और लखनऊ में की गई है फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात कर तो फिल्म का साउंड और बैकग्राउंड स्कोर एमएम के एमएम क्रीम द्वारा तैयार किया गया है जबकि दोस्तों गीत मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए थे वहीं दोस्तों टू शीर्षक वाला पहला एकल 18 जून 2024 को रिलीज किया गया था और वहीं दोस्तों ए यानी कि दिल जरा शीर्षक वाला दूसरा एकल 24 जून 2024 को रिलीज किया गया था बॉक्स चौबिस के बारे में हम बात करें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे जो है निराशाजनक रहा है इस फिल्म की क्योंकि ओपनिंग डे 2 अगस्त को दोस्तों ये सिर्फ एक करोड़ पचासी लाख की ही कमाई किया था और पिछले तीन दिनों का कलेक्शन जो है क्रमश सिर्फ दो ही करोड़ दो ही करोड़ बताया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक सिर्फ जो है नौ साढ़े नौ करोड़ तक की ही कमाई की है वहीं दोस्तों रिस्पॉन्स रेटिंग के बारे में हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धौल रोहे ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहाँ दम था परिपक्व प्रेम कहानी का प्रयास है जो कि निष्पादन में लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और फिर पूर्वानुमय कथानक इसके प्रभाव में बाधा डालते हैं अगर आप दोस्तों जानबूझकर जो है की गई गति और भावनात्मक रूप से जो है यहाँ पे आवेश जो है कथाओं की सराहना करते हैं तो इसे देखें न्यू यहाँ पे 18 की तरफ से दोस्तों टेटस चौधरी ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दमता थोड़ा सा जो है जगह जगह हो सकता है और यहाँ तक कि दोस्तों उस जो है चमकदार जो है ड्राइव भी ड्राइव की भी कमी है लेकिन यहाँ पे चौकाने में लेकिन यहाँ पे दोस्तों चौकड़ी ने कंपनी चौकड़ी ने यहाँ पे कांपती हुई जो स्क्रिप्ट को पूरी तरह से जो है टूटने से बचा लिया है वही टाइम्स नाउ की तरफ से दोस्तों तमई सऊ तमई जो है सऊदी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है इन्होंने लिखा है औरों में कहा दम था रेडीप डॉट कॉम की तरफ से जो है दीपा गहलोत ने भी फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दी है इन्होंने लिखा है अपने शानदार शीर्षक से ही यहाँ पे औरों में कहा दम था एक महाकाव्य बनने का लक्ष्य रखा गया है लगातार यहाँ पे असफल होता रहा है जो कि बॉलीवुड हंगामा की तरफ से एक आलोचक ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दी है और इन्होंने लिखा है कि औरों में कहा दम था एक धीमी और फिर एक उबाऊ जो फिल्म है जो कि दोस्तों कहानी में कमी और और एक यहां पे पूर्वानुमानित जो है चर्मोत्कर्ष के कारण ये फिल्म थोड़ा सा ग्रस्त होता है वहीं दोस्तों फर्स्ट पोस्ट के तरफ से इस फिल्म को लक्ष्मी देवरोय ने फाइव में से टू स्टार दिया है और इन्होंने लिखा है ऐसा लग रहा था कि निराश पांडे रोमांटिक और सस्पेंस थ्रिलर बनाने में पूरी तरह से जो विफल रहे जिसे दोस्तों उन्होंने शायद जो है बनाने की कोशिश की थी लेकिन फिल्म में दर्शकों को बाध रखने या फिर जो स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए जोश की कमी थी कहानी में वह उत्साह नहीं है जो कि आज के दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि दोस्तों न केवल जो है भारतीय सिनेमा की बल्कि जो है विश्व सिनेमा से भी परिचित कराया गया है इसी साथ दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्र गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है अनुभवी योद्धा अजय देवगन और फिर जो है तब्बू को सितारों से जो है टकराते सितारों से टकराते रोमांस में जो है देखने का आनंद है। मिला है जो कि फिल्म के ख़राब जो है ट्रीटमेंट के कारण जो है कम हो गया है ताज़ा होने के बजाय ये पुरानी लगती है देखने में और एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों जो अपनी स्टार जोड़ी के लिए अनुपयुक्त है जो कि दोस्तों औरों में कहा दम था एक ऐसी फिल्म के लिए एक भद्दा शीर्षक रखा गया जिससे कुछ और नहीं होना चाहिए था वहीं दोस्तों इंडिया टूडे की तरफ से आरूसी जैन ने इस फिल्म को फाइव में से वन स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और इन्होंने लिखा है ये उबाऊ फिल्म है ये धीमी फिल्म है और यह रोमांटिक नहीं है ये मजेदार भी नहीं है और ये दुखद नहीं देता है क्योंकि एक सौ बिन की एक निराश फिल्म जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है ये कमजोर होती जाती है जिससे जो है कुछ बहुत ही जो पूर्वानुमानित कथानक सामने आई है वही दोस्तों हालांकि शब्द का यहाँ पे और शब्दिक अर्थ यही कि दूसरों में हिम्मत कहाँ थी लेकिन ये जो है यहाँ पे वाक्यांश के यहाँ पे वास्तविक जो है अर्थ को नहीं दर्शाती है इसका उपयोग आम तौर पर दोस्तों तब किया जाता है जब कोई अपने ही जो है रिश्तेदारों से हार जाते हैं जैसे कि दोस्तों बता दें एक पिता अपने ही बेटे से एक पति अपनी पत्नी से और आदि इस जो है भावनाओं को इस हिंदी जो है दोहे में सबसे जो अच्छी तरह से जो है उजागर किया गया है और हमें तो अपनों ने लूटा आ, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था मैं अपने ही रिश्तेदारों से हार गया दूसरे किसी दूसरे आ, दूसरे कभी जो है सपनों में भी नहीं सोच सोच सकते मैंने जो है गहरे पानी को जीत लिया लेकिन अफसोस जो है उथले पानी में मैं डूब गया और दोस्तों इस कहानी की आत्मा इस भावनाओं को दर्शाती है कि यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि फिल्म का नाम हिंदी में अनुवादित होने पर औरों में कहाँ दम था के रूप में जो है पढ़ा जाता है जो कि दोस्तों जो जो कि दोस्तों यहाँ पे की मूल दो यहाँ पे दोहे और गैरों में कहाँ दम था एक बहुत ही मामूली संशोधन वाली फिल्म है जो कि दर्शक ने इस फिल्म को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया है दो के अंदर इसी के साथ दोस्तों समीक्षक ने बताया है नीरज पांडे के बारे में बताया औरों में कहाँ दम था आम रोमांटिक किरदार से हटकर थोड़ा थोड़ा सा अलग फिल्म है और प्यार नुकसान और फिर जो है लालसी की धीमी गति से थोड़ा सा जलने वाली खोज है है कहानी जेल में शुरू होती है जो कि हमें एक जो है है कृष्णा अजय देवगन से मिलवाया जाता है और फिर एक यहाँ पे कोमल प्रेम कहानी का खुलासा किया जाता है फ्लैशबैक हमें युवा और फिर जो है कृष्णा यानी कि शांतनु महेश्वरी के वसुधा साई मंजरेकर के साथ जो है रोमांस और कैसे एक घटना उसे पच्चीस साल के लिए जेल भेज देती है और तब तक जो है इस कहानी को थोड़ा सा

एक यहाँ पे समझदार जो है जेल से जो है यहाँ पे बचने वाले व्यक्ति तब तक जो है लेकिन अपने जो है वरिष्ठ अपने वरिष्ठ सह कलाकारों की तरह ही सहज दिखता है और तब उन्हें शांति तीव्रता के साथ जो अभिनय भी किया है जो अतिश से प्रीत एक महिला की जटिलताओं को पकड़ लेती है और अपने जो है वर्तमान के साथ जो है तालमेल बिठाती है दोनों की केमिस्ट्री यहाँ पे स्पष्ट नजर आती है जो कि फिल्म के भावनात्मक के केंद्र में गहराई जोड़ती है और जबकि दोस्तों यहाँ पे साई मंजरेकर ने भी उतना ही अच्छा अभिनय किया है और वहीं दोस्तों जीमी सिर ने यहाँ पे वो सुधा के पति और फिर अभिजीत के रूप में एक छोटी लेकिन यहाँ पे प्रभावशाली भूमिका फिल्म निभाई है दमदार अभिनय के अलावा एमएम क्रीम का भावपूर्ण बैकग्राउंड स्कोर अलग तत्व पर घूमता है जो कि फिल्म की मार फिल्म की यहाँ पे मार्मिकता में महत्वपूर्ण योग्य देता है वहीं दूसरी तरफ फिल्म की टोन में कुछ असंगतता है क्योंकि जिसमें जो है आपको नब्बे के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की याद आती है इसमें त्यौहार के गाने और फिर जो है एथलेटिक जो है कृष्णा का फिल्म के अंदर जो है मानसर जो है गुंडों से मुलाकात किया जाता है बारिश में एक्शन सीक्वेंस आदि शामिल है लेकिन दोस्तों यहाँ पे कथी कुलोद और फिर यहाँ पे परवीन का संपादन जो है यहाँ पे पहले हाथ में कई जगहों पर यहाँ पे झटक ज़ड़क, झटकेदार है क्योंकि मुख्य मोर और फिर जो है अपराध का

लड़खड़ा जाती है और इसकी धीमी गति और फिर पूर्वानुमानित कथानक इसके प्रभाव को थोड़ा सा बाधित करता है तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने कुछ खास रिव्यू नहीं दिया है इस फिल्म को अगर आप लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग अजय देवगन के फैन हो तो इस फिल्म को आप लोग देख सकते हो वरना इस फिल्म को आप लोग स्किप भी कर सकते हो वैसे भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक साबित हुई है औरों में कहा दम था 2023 में आई अंग्रेज़ी जो है कुरियाईट ड्रामा पास्ट लाइव से कुछ हद तक जो है मिलता जुलता है इसमें 24 साल की अवधि में दो किरदारों के जीवन को दिखाया गया है जब वो अलग अलग रास्ते पर चलते हैं और कई जो है सालों बाद जो अलग अलग जो है परिस्थितियों में फिर से जो है मिलते हैं लेकिन उनमें से एक को एहसास होता है कि उन्होंने कभी दूसरे व्यक्ति से प्यार करना बंद नहीं किया और ये सीधे मुद्दे पर था और फिर जो भावनाएं कच्ची थी और दुख की बात यह है कि यहाँ पे आ, सबसे पहले जो है मिनिम सबसे पहले जो है मिनिम लिप्स और फिर जो है बॉलीवुड की कहानी कहने की शैली के अनुकूल नहीं है दोस्तों इस हिंदी नाटक की शुरुआत जो है अपराधी जो कृष्णा अजय देवगन द्वारा अभिनीत से होती है शुरू जो कि जेल से जो है बाहर नहीं निकलना चाहता और वह पिछले जो है तेईस सालों से दोहरे जो है हत्याकांड की सजा काट रहा है और उसने जो है जो किया हुआ मूल रूप से औरों में औरों में की कहानी है जो कि वास्तव में जो है बहुत ही कमजोर हमें देखने में लगती है अब यहाँ पे संतानु महेश्वरी ने 2001 में अजय देवगन के बचपन का किरदार निभाया है जो कि दोस्तों वसुधा एक चुलबुली साइमन रेकर से प्यार करता है लेकिन उनकी लेकिन उनकी केमिस्ट्री जो है विश्वसनीय है और फिर यह एक महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके बड़े रूपों को अजय और फिर जो है तब्बू ने निभाया है जो कि दोस्तों एक साथ अपने जो है यहाँ पे हजार भी जो है फिल्म हजारों फिल्म कर रहे हैं लेकिन दोस्तों एक रात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है दोस्तों वसुधा कृष्ण का इंतजार क्यों नहीं किया जाता है और वह जेल से क्यों नहीं कर दी और वह जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहता आखिरकार उन्हें कौन मिलवाता है यह भी देखना पड़ेगा इस फिल्म में और उन दम था एक ही समय में प, एक ही समय में पारंपरिक और जो है अपरम्परगता दोनों है मैं अलग अलग जो है आयु और फिर जो है समूहों के बारे में प्रेम कहानियाँ बनाने के पक्ष में हो क्योंकि यहाँ हम जो है देखते हैं कि युवा प्रेम कितना जो है उतावला होता हुआ नजर आता है साथ ही दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है प्रेम कितना जो है व्यवहारिक होता है ये भी हमें फ़िल्म में देखने को मिल जाती है इस फिल्म की पहला भाग दोस्तों बेहद धीमा है कहानी में कई जो है फ्लैशबैक मौजूद है और हम गति के साथ जो है बने रहने की कोशिश करते हैं कहानी दिलचस्प होनी चाहिए लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा खींची हुई है पहला घंटा एक डेली शॉप के तीन घंटे लंबे और महा जो है एपिसोड जैसा इस फिल्म में हमें लगता है वहीं दोस्तों आगे आखिरकार हमें बताया जाता है कि सालों पहले उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को क्या हुआ था इसलिए हमें जो है सांस लेने के लिए अंतराल मिल जाता है लेकिन आप आगे आने वाली जो है चीजों के लिए तैयार नहीं है बिना कुछ बताए अनश जो है बजमी की 2007 की मज़ेदार फिल्म जो है यहाँ पे वेलकम के दूसरे भाग में जो हुआ था उसका जो है नाटकीय संस्करण है बस हमें जो है अलग अलग जो है दृष्टि कौन से तीन बार जो है तीन बार जो है घटनाओं का एक ही जो है क्रम दिखाया जाता है और क्या हमने जो है पहले ही जो है डेली डेली शॉप के जो है समानता डेली शॉप की समानतरों का उल्लेख किया है जो चीज़ हमें जो है बचाती है वो ये है कि कुछ यहाँ पे चतुराई से लिखे गए वन लाइनर और फिर यहाँ पे चुटेले जो है संदर्भ एक समय ऐसा आया जब अजय के दोस्तों ने अपनी जो है कार में जो है रेडियो लगाया और उसमें उनकी ही जो है फिल्म दिलवाले का गाना जीता था जिसके लिए बजा रहे थे तो दोस्तों थिएटर में जो है तालियां बजने लगी और जब जो है फिल्म जहाँ यहाँ पर हल्की होती है तो वह जो है चमकती हुई नज़र आती है और ऐसे दिल जरा के यहाँ पे ऐसे दिल जरा कि यहाँ पे जैसे कुछ जो अनशक्त गाने आपको थोड़ा सा थका देंगे इस फिल्म के अंदर अजय देवगन को यहाँ कोई भारी जो है काम नहीं करना पड़ता है उन्हें बस शांत और शांत रहना है तब उन्हें अच्छा काम किया है लेकिन दोस्तों फिर से जो है उनके जैसे अनुभवी अभिनेताओं के लिए ये, ये आसान काम नहीं है जिमी शेरगिल को जिमी शेरगिल जो कि अब अपनी जो है फिल्मों में कभी जो है लड़की अपनी कभी फिल्मों में कभी लड़की नहीं पाने के लिए जो है यहाँ पे स्टूडियो टाइप हो गए हैं एक बार फिर से जो है कमतर साबित हुए हैं हालांकि थोड़े अलग तरीके से इसमें दिखाए गए हैं लेकिन दोस्तों आगे इस फिल्म के अंदर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शांतनु एक भरोसेमंद अभिनेता है जो कि स्क्रीन पर एक खास आकर्षण लेकर आते हैं दबंग में खराब शुरुआत के बाद साई को एक दमदार भूमिका मिली है इसे वह बखूबी निभा सकती है और वह इसका भरपूर जो फायदा उठा सकती है दोस्तों ऑस्कर विजेता एएमएम के द्वारा जो है फ़िल्म का संगीत कुछ खास नहीं इसमें दिखाया गया है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे काट छाट करके जो इसे अच्छी तरह अच्छे जो है फिल्म बनाया जा सकता था लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनस पांडे जिन्हें जो है लेखक का श्रेय भी दिया गया है बहुत आगे जो है निकल गए हैं फिल्म का आखिरी शॉर्ट कहता है कभी कभी ये जो है कभी ख़त्म नहीं होता बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने एक समय पर जो है फिल्मों के फार में महसूस किया था तो दोस्तों रिव्यूअर्स ने जितना भी रिव्यू दिया है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं है क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज ही मिला हुआ है इस फिल्म को दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी के साथ दोस्तों एक और खबर छापा गया है आसिम अब्बासी अपनी मनोरंजन क्राइम थ्रिलर चुडैल्स के चार साल बाद जो है जी जिंदगी में वापस आए हैं उन्होंने फवाद खान और फिर जो है सनम जो है सईद को उनके लोकप्रियता रोमांटिक ड्रामा जिंदगी जो है गुलजार है कि 11 साल बाद फिर से जो है साथ है लेकर कास्टिंग में एक बड़ा बदलाव किया है लेकिन इस लोग जो है फंडासी में उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा गया है जो कि आध्यात्मिक जो है यात्रा पर अप्रत्याशी साथी की भूमिका निभाते हैं लेकिन दोस्तों ये यात्रा अपनी ही जो है अतिशयोक्ति से जो है इतनी जो है बधी हुई है कि ये समझना और थोड़ा सा सराहना और यहाँ पे करना कठिन हो जाता है इस फिल्म के अंदर कहानी लैंड ऑफ यहाँ पे नो में जो है सेट की गई है इस मूवीज़ की जो कि दोस्तों बता दें जो है संभवत और पाकिस्तान में एक घाटी है जहाँ पे जफर जो है यहाँ पे खान जफर खान जात उनके अलावा सलमान शाहिद एक अमीर परिवार का मुखिया बने हुए अपने जो है यहाँ पे अलग हुए जो है बेटों को अपनी जो है तीसरी शादी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं और वह उसके जो है पहली शादी से हुए जो है बच्चे हैं लेकिन दोस्तों यही एक मात्रा कारण नहीं है कि वह जो है सहज है जफर अब अपने जो है यहाँ पे पहले प्यार जो है महताब से शादी करते हैं जिसकी जो है दस को पहले जो है मृत्यु हो गई थी लेकिन दोस्तों वह दृढ़ जो है निश्चय है क्योंकि पे अभी भी मौजूद है और दूसरी तरफ उनके छोटे बेटे जो यहाँ पे अः और फवाद जैसे जो है पे जैसे जो यहाँ पे आज जो है इस घटनाओं को नकारते हैं जबकि दोस्तों उनके जो है देखभाल करने वाले जो यहाँ पे यहाँ पे शहर यहाँ पे शहर ज़्यादा और फिर जो है सनम हमें जो अज्ञात विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है ये मूवी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है अजय देवगन की मच फेवरेट फिल्म जिसका नाम है और में कहा दम था इस मूवीज़ की बजट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट साथ ही साथ दोस्तों फिल्म ने कितनी कमाई की है इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने आपको विस्तार में बता दिया है तो उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में